इंसान का पद नहीं बना करता और इंसान दुनिया के वज्र और विजय नहीं बना करता, इंसान जो बनता है वो अंदर से बनता है। माहौल नवदिया कारगर महीना का निकलने वाले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आदमी के बदल के जो चाहे बड़ा है वो बनता है तो इंसान बनता है और वो बिगड़ता है तो इंसान नहीं बनता। अल्लाह वही रविदा जो क्या है वो भी इसलिए इमाम रफिया कारगर वजी नाजर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों में जिनने मजदूर की बड़ा उदर की थी, जिनने माल का वही उदर चुका था, जिनके दुनिया की जिंदगी का यकीन उतर चुका था, अल्लाह के गैरवी खुदा मैंने फरमाई ने मखलूक की तरफ आई, मखलूक से खाने की तरफ जुड़ा, मेरे माल मेरा आमाल मान से आमाल की तरफ और मेरे दुनिया के लगातार दुनिया से आकार की तरफ। ये तीन बुनियादी मेहनत है जो आप इंसान को अपने दिल से करेंगे। अब हम सब ये देखें कि हमारे दिल में ये तीन मेहनतों में क्या अंदर क्या कुछ बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है। जहां मखलूक का तकाजा आता है खाली के काम को छोड़ देते, जहां मालों का तकाजा आता है अमल को हम छोड़ देते, मुआखर कर देते, मुख्तसर कर देते, मौकूफ कर देते, और जहां दुनिया का तकाजा आता है आखिरत के काम को भूल जाते। बल्कि शुरू में खया कर दुनिया और आखिर को खैर हुआ होगा। इसलिए मेरे भाई को बुजुर्गो इमाम नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत फरमाकर सहाबा के तबके को तैयार किया कि अंदर से वो बड़े अंदर से चेहरे उनके जैसे थे, कालों को बुरा नहीं बनाया, बुरों को काला नहीं, मालदार को गरीब नहीं, गरीब को मालदार नहीं, ताजिर को मुलाजिम नहीं, मुलाजिम को ताजिर नहीं, मजदूर को मालिक नहीं, मालिक को मजदूर नहीं। अल्लाह के दया नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबके को अपने अपने हाल में रखा, लेकिन उस हाल का दीन सिखाया। इस हाल का दीन क्या है? ताजिर को तजारत का भी, मुलाजिम को मुलाजमत का भी, मजदूर को मजदूरी का भी, हाकिम को हुकूमत का भी, बीमार को बीमारी का भी, हर एक को उसके हाल का दीन बताया। हाल के बदलने का नाम कामयाबी नहीं है, हाल में अल्लाह के दीन को जिंदा करने का नाम कामयाबी है। हम हाल बदल रहे हैं, हम हाल के बदलने में जिंदगी आप खपा रहे हैं, हर गरीब मालदार बनने की फिक्र में लगा हुआ है। माल को क्या है, माल को क्या है, माल को क्या है, मादा कैसे बचा, मादा कैसे बचा। पूरे कुरान में एक मान वाला अपने आप को अपने हजार को दीनदार बना हुई मुताबला है, मालदार बनाने का मुताबला किसी जगह नहीं। मुकद्दर का माल है हजारे दियार मिलेगा, माल बचाते कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इस माल का यकीन कि मोहब्बत और इसके हासिल करने की तमन्नाएं आंसू है, ये इंसान को बर्बाद करेगी। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गो अल्लाह के नबी सुल्तान की मेहनत के नतीजे में सहाबा तैयार हुए, और एक एक सहाबी ऐसा तैयार हुआ था कि अपने हाल में वो अल्लाह की तरफ निगाह उठाता, जो हाल जो गुजर रहा है उस हाल में उसकी निगाह अल्लाह की तरफ, उसकी निगाह अल्लाह के खजानों की तरफ, उसका यकीन अल्लाह की दात से वाबस्ता, उसके दिल में अल्लाह की कुदरत का यकीन, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरिया। सीरत में मिलता है सहाबी रजी अल्लाह तआला, हुज़ैर रजी अल्लाह तआला सहाबी है, सफर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के शुरू में सबको धोखा दिया खाने का, धोखा पहुंचा है। और ये मेरे भाई दोस्त बुजुर्गो हजरत सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन के वास्ते थे, कयामत तक के आने वाले खुसूसन ईमान वालों को, दोनों कोई इंसान है तो अपना दीन पहुंचाने अल्लाह को। इसलिए वाकया सहाबा के पेशी है,
या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथे तक पहुंचा होता है सफर का पहुंचा, और रास्ते में जब भूख लगी तो हमने अपने पोता निकाला खाना शुरू किया। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सफर में है, अल्लाह ताला ने अपने नबी को उदेर का नाम बुला दिया और उदेर तक पोता नहीं पहुंचा। अब भूख बड़ी शिद्दत भी है, साथी खा रहे हैं, उदेर के पास खाना नहीं पहुंचा नहीं, लेकिन उनके यहां मेरे भाई दोस्तों बिल्कुल शिकायत है, उनकी निगाहें खालिक पर थी, मखलूक पर थी। इससे हुआ, इससे हुआ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये पार्टी को नहीं, न किसी कौम को, न किसी पार्टी को, न किसी शख्स को, न किसी तंजीम को, न किसी ताकत को, नहीं, सारी ताकत आसमानों में है और वो सारी ताकतों का मालिक है, वो खालिक कायनात है, वो मालिक कायनात है, उसने मखलूक को पैदा किया है और सारी मखलूक की बात भर उसी के हाथ में। गाड़ी बनाने वाले गाड़ी बनाने के बाद अपने कब्जे में नहीं रख सकते, अल्लाह ने दुनिया बनाई है, सारी दुनिया की मखलूक अल्लाह के कब्जे में। मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से दरिया फरमाया कि अल्लाह की सारी मखलूक के नाफरमान हो जाए तो तू क्या करेगा, सारी मखलूक के नाफरमान हो जाए तो तू क्या करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा, हमने एक मखलूक पैदा की है जो ये सारी मखलूक का एक लुकमा बना ले, एक लुकमे में सारी जमीन आसमान चांद सूरज सारे परिश्ते सारे इंसान सारे सुंदर 18,000 सारी मखलूक बड़े बड़े हाथी बड़े बड़ी मछलियां बड़े बड़े, वो एक आंख पर एक परिंदा है, वो एक आंख पर एक परिंदा जो रोजाना 7 हाथी खाता है। अंदाजा लगा है कि मखलूक अल्लाह ने पैदा की, 7 हाथी उसकी गिजा है रोजाना। अल्लाह कह रहे हैं ए मूसा, ये सारी मखलूक को हमारा वो हमारी वो मखलूक है ना एक रूपा बना रही। मूसा ने कहा मूसा अल्लाह वो कहाँ है, तो वो हमारे सरदार है, इसलिए वो जात तो न भूले हमारे भाइयों को। हम जिसके घर में आते हैं वो बड़े शहनशाह का दरबार है, इस दर से कोई खाली हाथ नहीं गया, सारों की हाजतें जरूरतें नहीं कर पूरी होती है। वो दिल के अंदर के इरादों को जानता है, वो शहरत से ज्यादा करीब है। बना दुआ करो कि जय अबली वरीब, मेरे बंदे ने तेरी शहरत से ज्यादा करीब, मुझे पुकार के देखा, सबको पुकार के देखा, उसको पुकार के नहीं देखा, सबको उसको पुकारना ही है तो बुलाना ही है। हर बड़े से बात करना आ गई हमें, हर बड़े को अपना बनाना आ गया, चापलूसी करना आ गई, मीठी मीठी बातें करना आ गई, तमाम बड़ों का बड़ा जिसकी बड़ाई रोजाना 5 मरतबा इस मस्जिद से पुकारी जाती है और 1,000 में 6 मरतबा उसकी बड़ाई पुकारी जाती है। शिमाल में, जुनूब में, मशरिक में, मगरिब में, दुनिया की 4 सीमाओं में चला जाए अल्लाह के बदले, ऊपर चला जा आसमानों में आसमानों में सिदरतुल मुंतहा कर और जमीन में चला जा सारे तहसुस चढ़ा कर, अल्लाह की जात के अलावा कोई बड़ा नहीं। ये यकीन बनाने के लिए इस मुसलमान को मस्जिद में बुलाया जाता है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। हाँ, इसलिए बाद लोग अजान के बाद मस्जिद के अमाल को बंद करते हैं, अजान हो गए बैठ करते हो, अजान को बैठ करते हो, अजान के बाहर मस्जिद के बाहर के काम बंद करने के लिए अजान हुई है, मस्जिद के अंदर के काम बंद करने के लिए अजान नहीं हुई है। दिमाग रखिए, अजान मस्जिद के अंदर के कामों को बंद करने के लिए नहीं है, अंदर के अमाल को बंद करने, मस्जिद के बाहर के कामों को बंद करने के लिए अजान हुई है। अजान की नमाज की दावत नहीं है, इसलिए सहाबा मस्जिद नबी की अजान के बाद जब मस्जिद नबी खिलाफी की तरफ चलना शुरू करते हैं, घर की औरतें पूछती कहां जा रहा है, कहा जाता कि नहीं मस्जिद नबी में जा रहा है, उमर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, हुजूर मजलिस लगाएंगे, शहीद हो जाएंगे, अल्लाह के नबी के इलाके का तकाजा पूरा करेंगे, उसी नाम शहीद हो जाएंगे, वहीं से अल्लाह के रास्ते में निकल जाएंगे,
इलाके में नबी के दीन का पैगाम पहुंचाना है, पैगाम पहुंचाते पहुंचाते जिंदगी बांधे तो मदीने में वापस आएंगे, और अगर जिंदगी बाकी नहीं रही तो उसी इलाके में अपनी खबर बनाएंगे। तो और से कुछ दिन ऐसी मुलाकात क्या होगी, वहां के मैदान में होते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमसे मुलाकात कर लेते। तो सहाबा मस्जिदों को आते थे जिंदगी से पारे होकर आते थे। चनाचे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ही नमाज के बाद तस्की हुई, तस्की के बाद जमात बनी, जमात रवाना हुई। एक नौजवान सहाबी है, नई नई शादी हुई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी तस्की बना दी, उसके लिए जाना है। वहां उधर का कोई उधर की गुंजाइश नहीं थी, अंदर बनाया था अंदर, इसलिए उधर की कोई गुंजाइश नहीं थी। इससे होगा उससे होगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ नहीं हो जाएगा, मौत सामने नजर आ रही है। और सहाबा दावत दे रहे हैं तुम जैसे शराब को महबूब रखते हो, हम लोग ऐसे मौत को महबूब रखते हो। जिंदगी से फारिग होकर जाते थे, वापसी की तमन्नाएं नहीं होती थी। अब्दुल्लाह के रवा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मौके पर रवाना हो रहा है, मदीने के लोग मदीने के बाहर तक छोड़ने आए और दुआ कर रहे हैं अल्लाह तुम्हें सलामती और कामयाबी के साथ वापस लाए। अब्दुल्लाह के रवा रजी अल्लाह तआला नहीं, हम तो चाहते रहे खुदा में मुस्तैद हो जाए और फिर ये जान अल्लाह के दीन के लिए ऐसी लगे उसी सरजमीन पर कब्र बने, हमें वापसी की तमन्नाएं नहीं है। उम्मत का तो माजूर माजूर एक पैर का माजूर अल्लाह के घर अल्लाह के रास्ते के लिए निकल रहा है और अपने घर की तहरीर से खड़ों के दुआ कर रहा है, अल्लाह अल्लाह रजनी आमनी अल्लाह मुझे अपने घर की तरफ मत दौड़ा। माजूर ऐसा नहीं उसके घर का कोई नहीं जा रहा है, उसके बच्चे जा रहे हैं लेकिन वो यूं दुआ करके निकल रहा है, अल्लाह मुझे अपने घर की तरफ मत दौड़ा। आज मेरे भाई को बुजुर्गो वो दिल कहां से ले गए, वो यकीन कहां चला गया, वो दुआएं कहां चली गई, वो नमाज कहां चली गई, वो अंदर के जज्बा कहां चले गए, जिससे मर चुके हैं। तो सहाबा मेरे भाई को बुजुर्गो अपने जिंदगी से फारिग होके जाते थे। वो नौजवान साहबी रजी अल्लाह तआला की तरकीब बनी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा रवाना फरमाई है। वो नौजवान साहबी रवानगी से पहले हुजूर के कान कहने के अल्लाह के नबी जिस रास्ते से जमात चलने वाली है उसी रास्ते मेरा मकान है, अगर इजाजत हो तो चलते चलते दरवाजे पे अपनी घरवाली पे इतना हुजूर ने इजाजत दी। जमात रवाना हो रही है, जब उसका घर आया उस रास्ते पर उसने जमात के जिम्मेदार से कहा हमें मेरा मकान करीब है, मैं हुजूर से इजाजत दी है, चलते चलते दरवाजे से अपनी घरवाली पे इतना करूँ ताकि नबी की इजाजत के बाद मेरी इजाजत की जरूरत नहीं, जल्दी से आज छोड़ जाओ। चलते हुए दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजे पर जैसे दरवाजा खोला घरवाली को कहा अल्लाह की मर्जी ने अल्लाह के रास्ते में जा, तो उसने रोना शुरू किया। जब वो रोना शुरू किया तो उसे तसल्ली देने लगे, यार ऐसे की जगह नहीं है, हम तो आए इसके लिए हमारी जान के साथ और माल की भाई सारे अल्लाह के दीन के लिए दुनिया की इंसानियत को जानकर से बचा रहा। इस तरीके से मकासिद ईमान वालों के मकासिद को समझाने लगे तो अल्लाह की बंदी कहने लगी मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रही हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मस्जिद से रवाना किया तो आपके फरमाने के बाद सारे अल्लाह के नबी के फरमाने के बाद मस्जिद नबी से राह खुदा में चले गए। कोई एक भी अपने घर पे इत्तला देने के लिए नहीं आया, तुम्हें क्या जरूरत है घर पे इत्तला देने की, मुझे डर है कि तुम्हें घर पे रहने की तमन्ना है। आज मेरे वो औरतों के जज्बे, आज मर्दों के जज्बे, वो औरतें कयामत में मिलेगी, चौदहवीं सदी के मुसलमान मर्दों को क्या कहे, पहले से तारी कहते हैं, पहले से जैसे तारी है, और उम्मत के हालात सुनाए जा रहे हैं, उम्मत की बेदिनी के हालात सुनाए जा रहे हैं, और मुसलमान भी उसके ऊपर हो गए मेरा ये मसला होगा ये मसला होगा ये मसला। मेरे भाई बुजुर्गों कयामत के मैदान में उन औरतों को क्या जवाब देंगे, उनके जज्बे क्या होंगे, उनकी तमन्नाएं क्या होंगी, उनकी मुरादें क्या होगी कि छह महीने का शौहर है अल्लाह के रास्ते में जाना और वापसी की कोई
कोई यकीनी शक्लें नहीं थी और उसके जज्बे क्या कह रहे हैं कि सारे अल्लाह के नबी के कहने के बाद मरा रात मस्जिद से चले गए, तुम्हें क्या जरूरत थी जज्बे कहने आने की? क्यों? मर्दों का औरतों का दिल अल्लाह के खजानों की तरफ, उनकी निगाह अल्लाह के खजानों की तरफ, उनके दिल आखिरत के साथ वाबस्ता हो चुके थे, उन्होंने अपने जिंदगी के मकासद को समझ लिया था। हम दुनिया में इंसानियत के लिए पैदा हुए हैं, हम अपने घर के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए नहीं, अपनी बस्ती के लिए नहीं, हम पूरी इंसानियत के लिए पैदा हुए हैं। इन नाम की निस्बत मेरे भाई दोस्तों इस उम्मत के साथ लगी हुई है। इस कुरान पर मेरा और आपका ईमान है, उस कुरान में अल्लाह ताला ने हमें दंगे की छोड़ कह दिया है। अल्लाह रब्बुल नाज है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़ल लिन्नास है और कुरान करीम हुदल लिन्नास है और मेरा कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास। याद रखना, इंसानियत की जिम्मेदारी है पूरी दुनिया से। आज अगर एक इंसान भी बगैर ईमान के दुनिया से जाता है, हम मेरे भाई उनको बुजुर्गो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। तुमने अपनी क्या कोशिश की इंसान को जहन्नम से बचाने के लिए? हम दुनिया में पनियों की तरह अपनी दुनिया बनाने के लिए नहीं आए हैं, अपने मकानों को संवारने के लिए नहीं आए हैं, अपने कपड़ों के ढेर बनाने के लिए नहीं आए, अपने माल पे माल जमा करने के लिए नहीं आए, और अपनी दुनिया की मेरे भाई दोस्त बुजुर्ग इस परिसरत में अपनी जवानियों को लुटाने के लिए नहीं आए। हम तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्ग अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को, अपने माल को, अपनी सलाहियतों को, अपनी अकल को, अपने सरमाए को अल्लाह के नबी ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे लगाते 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 इतनी लगाते लगाते लगाएंगे कि माल की आखिरी पाई दिन पे लगेगी और जान की आखिरी सांस दिन पे लगेगी। और जिस दिन आखिरी सांस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे लगते लगते राह खुदा में जब जान निकले तो जमान से निकले फुस्तु अल्लाह, अल्लाह की कसम फुस्तु रब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम कामयाब हो। दुकानों पे दुकानें बन गई, माल के माल जमा हो गए, मकानों पे मकान बन गए, हर बच्चे का मकान बन गया, हर बच्चे की दुकान। ये बनियों की तमन्नाएं है, ये बनियों की तमन्नाएं है। काली कमले वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की खुदाई कसम ये तमन्नाएं नहीं थी, ये तमन्नाएं हमारी नहीं। नबी के जानिसारों की तमन्ना तो समंदर में अपने घोड़े के हाँ आधे पैर तक पानी में डालकर वो अल्लाह के नबी का सहाबी अफ्रीका के समंदर में घोड़े डालकर अल्लाह से कह रहा है अल्लाह तू गवाह रहना आगे कोई बस्ती नजर नहीं आती, अगर मुझे पता होता तेरी मखलूक इस समंदर के उस पार भी है। ए वो पारदार जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा, हम इस समंदर को पार करके अल्लाह तेरी मखलूक तक तेरे पैगाम को और तेरे नबी की तालीम को पहुंचा के आते। आज तो पड़ोस में दीप नहीं है, पड़ोस में मोहल्लों की हालत देखो, मुसलमान बस्तियों में आम की हिफाजत मुश्किल है, मुसलमानों की बस्तियों में और जहां दीनदार नहीं है मुसलमान बच्ची की इज्जत उसके घर में महफूज नहीं है। कुछ मेरी मत रहना, इतनी बातिल मेहनत ने मेरे भाई दोस्त बुजुर्गो दुनिया में बेहजाई और बेशर्मी का माहौल कायम कर रखा है और अपने वो आलात के जरिए से एक और दामन रिश्ता बाप और बेटी का मुसलमानों के अंदर भी आज मेरे भाई दोस्त बुजुर्गो महफूज नहीं है। और ना सत्ता है, सत्ता अल्लाह सत्तारी की चादर डालते हैं, लेकिन जब बंदा अल्लाह की सत्तारी वाली सिफा की फिर नाकदरी करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को साफ करते हैं। मुसलमानों की बस्तियों में बाप को बेटी के साथ बदकारी करते हुए पकड़ा गया है। कुछ विनर है जैसे मेरे भाई लोग समझ लो, जैसी गीता जाती है ऐसी गीता बनती है। हालात के रूप में अंदर जाते हैं तो फिर ऐसी गीता बनती है, हराम के रूप में अंदर जाते हैं तो फिर ऐसी गीता बनती है। हिंदुस्तान की सरजमीन आमाले
ऊपर की नफरत वाली जमीन है, यहाँ पर मदारिस के जरिए, मकासिब के जरिए, खानगाहों के जरिए, दावत के जरिए, खिदमत के जरिए से मेरे भाई को बुजुर्गो हमारे ऊपर जिंदा हुए हैं और अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में अपने नदी वाले काम को पहुंचाया है। इसलिए हमारे बड़ों के मुल्क के एक एक बाशिंदे से और इस मुल्क की गांवों से हमारे बड़ों को बड़ी उम्मीद है। अल्लाह ताला इस मुल्क के बच्चे बच्चे को जरूरी मानता फरमाए। और मैं देवबंद साल में एक हथियारे की दावत का इंतजार करते थे, एक हथियारे की घास काटने वाले की दावत का इंतजार करते थे। अरे घास काटने वाला मजदूर आदमी, किसान आदमी, और किसान भी नहीं, किसानों के पास मजदूरी करने वाला, साल भर में उसकी दावत का इंतजार होता था। मौला काफी नारों की रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले हैं। एक मरतबा आप जो है देवघर की मस्जिद में है और मेरठ का बड़ा ताजिर आया अपनी बेग में माल लेकर जमाने का, हजारों और लाखों में माल लेकर आया। हजरत के आगे पेटी खोली, अंदर नोटों के बंडल है। हजरत ने क्या इसे बंद कर दो, कितने ना है हजरत आपके लिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहना सुनना बहुत आसान है, जब माल सामने आता है ना सबकी नजर बदल जाती है। इसलिए किताबों में लिखा है माल का उलटना पुलटना, जीते ना बार बार वो दुकान में गिन गया है, फिर वापिस फिर गिना, फिर तिजोरी में रखने से पहले फिर गिना, फिर कभी याद आए तो दो दिन बाद फिर गिना, बार बार ईमान का उलटना उलटना भी ईमान की हलावत को चूस लेता है। ईमान की हलावत हमें ईमान की हलावत नहीं है हमारे पास, चीजों की हलावत है हमारे पास, ईमान की हलावत हमारे पास नहीं है। इसने फरमाया नाज परवरदा रईस लोगों की देव दिनत को, वो ईमान वाला अल्लाह को मानने वाला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती आपका कलमा पढ़ने वाला शहजाई, अगर कोई दुनिया के नाज परवरदा मालदारों की देव दिनत को, इनके बंगलों को, इनकी गाड़ियों को, इनके मालों को, इनके अच्छे कपड़ों को, इनकी दुकानों को ललचाई हुई आंखों से देखता है, वो आसमानों की बादशाह से दलील समझा जाता है। मेहनत कराई गई आंखों पर और मेहनत कराई गई दिलों पर, हम पाबंद थे पाबंद, तो मेरे भाई जो बुजुर्गो वो हुदैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में है और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर हुदैर तक पहुंचा नहीं है, अल्लाह ने तरबियत का इंतजाम किया है, और जब जैसे भूख लगी और अंदर खाने की हाजत हुई, हजरत हुदैर ने अपना मुसल्ला बिछाया और अपने हाथों को फैलाया, ए वो पालदार, ए वो पालदार जो बंदों का जमीन से हाल आसमानों में जानता है, जो जात के दरबार में आसमानों में है और जो जमीन के जरे जरे पर अपनी कुदरत रखता है, ए वो पालदार तेरे नबी ने खाने के मौके पर और खाने से मेरे हरेक का पोछा पहुंचा दिया है, वो देर तक पोछा पहुंचा नहीं है, खाना तेरे पास से पहुंचता है, तू राजिक है, तू खिलाने वाला है, ए अल्लाह तेरे नबी भूले तू मत भूलना, तेरे नबी भूले तू मत भूलना। मुसलमान की दुआ लॉ जमीन से मुसलमान की दुआ का आसमान में क्या मकाम। आज मेरे भाई और बुजुर्गो दुआ को हमने तस्करी समझा, दुआ की ताकत ही नहीं समझी, दुआ मोमिन का हथियार है। सांप निकलता है तो मानते हैं हथियार लड़ाओ, मोमिन हथियार दिया दुआ, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ सारी इबादतों का मंत्र है, मंत्र दुआ या तो मकबूल होती है या महफूज होती है। अगर तुम्हारी बहन का अल्लाह बच्चन का फरमान फरमाते कि दुआ या तो मकबूल होती है या महफूज होती है। ये कोई दुनिया की हालत नहीं है कि कागज में अर्जी लिख के दी और अर्जी कबूल नहीं हुई तो उसे रद्दी की टोकरी में डाल दी, नहीं, अल्लाह क्या महफूज रहती है, अल्लाह अपने बंदे की दुआ का बदला नहीं है, मैदान नहीं चलता।
हुआ तो इबादत है इबादत, कि जैसे नमाज पर तिलावत पर अजर मिलता है ऐसे दुआ पर अजर मिलता है। हर पल नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। जब बंदा फर्स्ट नमाज पढ़कर मंडियों की तरफ, बाजारों की तरफ, दुकानों की तरफ जाता है, अल्लाह की रहीम और करीम ज़ात पूछती है इनको क्या मेरी हाजत नहीं है, इसको क्या मेरी जरूरत नहीं। मोमिन की दुआ और मोमिन की नमाज। अरे मेरे भाई दो हजरत महाराज गुस्सा रहमतुल्लाह फरमाते थे, जिस दिन मुसलमान की दो रफा नमाज बातिल के एटम की ताकत को फैल कर देगी, उस दिन दुनिया का सारा बातिल हक को कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा। ये दो रफा नमाज में इतनी ताकत है, एक गरीब मुसलमान के झोपड़े को बातिल का एटम नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो दुआ है। शाहजहां के जमाने में मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले थे। देखो मेरे भाई दोस्तों, तारीफ उठाई गई, जब जब इस मुसलमान ने अपने दिल को बनाया है, अपने दिल को संवारा है और अपने अंदर आमाल के यकीन को बिठाया है और माल के यकीन को दिलों से निकाला है और मखलूक की बड़ाई दिल से निकालकर खालिक की बड़ाई दिलों में उतारी है, और जब जब मुसलमान ने अपने दिल के रूप को दुनिया से आगे की तरफ किया है, तारीफ उठा के देख लो दुनिया की जाबिराना जाबिराना ताकत है। मेरे भाई बुजुर्गो, मुसलमान के सामने घुटने टेक कर आई है, कभी आमाल वालों ने माल वालों के सामने हाथ नहीं फैलाया है, कभी आमाल वालों ने माल वालों के सामने हाथ नहीं फैलाया है, हमेशा माल वालों ने आमाल वालों के सामने हाथ फैलाया है। नसीबत रहमतुल्लाह हिंदुस्तान के अभियान में बड़ा मुकाम रखते हैं। हम जाहिर को देखते हैं, जाहिर इसलिए वर्मा आमन तो बिल्लाई को मजाई करती, मैं अल्लाह पर ईमान लाया उसके गैबी निजाम पर ईमान लाया, हम जाहिर को न देखते हैं। बातिल जाहिर को देखता है, दुनिया में देखकर बातिल चलता है और हम दुनिया में सुनकर और सुनाकर चलता है। हम तो 14 साल पीछे जाएंगे, ऊंटों के जमाने की खबरों को रोकेट के जमाने के अंदर यकीन करेंगे तब जाके नमाज बनेगी, नमाज से नहीं बनेगी। और जमाना बदल गया, जमाना बदलने से अल्लाह नहीं बदलते, अल्लाह हाथ बदलने से अल्लाह नहीं बदलते। हाँ, इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, दीन का सीखना हर ईमान वाले की पहली जिम्मेदारी है। दीन का सीखना हर ईमान वाले की पहली जिम्मेदारी है कि इस कुरान को, इस हदीस को जो ऊंटों के जमाने में उतरा है, इसे रॉकेट के जमाने में समझने के लिए आप मोबाइल से नहीं समझ सकते, आप नेट से नहीं समझ सकते, इंफरादी में नहीं समझ सकते, एयर कंडीशन वाले कमरे में बैठ कर नहीं समझ सकते। दीन तो तनपरवरी से आता है और दीन तनपरवरी से नहीं आता, दीन खासदारी से आता है। ये हजरत मार सही मत खाता हुआ अब्दुल्ला फरमाते थे, हमारे यहां दीन सीखने का कम सहाबा वाला है, दीन के जानने वालों के पास मोहताज बन करा है, उलमा के पास बैठे, उलमा की जियारत को इबादत समझे, अपने दीन को मालूम करे, मैं काजी हूं तेरी तजारत का दीन क्या है, मैं काशकार हूं मेरे दिन में सरकार कितनी है, अपने उलमा से मालूम करे अपने दीन को। यह हर मुसलमान की पहली जिम्मेदारी है, दीन सीखना हर मुसलमान की पहली जिम्मेदारी, दीन पे चलना हर मुसलमान की दूसरी जिम्मेदारी, दीन को कौमों तक पहुंचाना ये मुसलमान की तीसरी जिम्मेदारी। अगर दुनिया में एक इंसान भी दुनिया में दीन को जाने बगैर मर गया और मुसलमानों तक दीन नहीं पहुंचाया चाहे अमल के जरिए से भी, तो मेरे भाई बुजुर्गों दुनिया के तमाम मुसलमान गुनहगार है। फरमाते पूरी दुनिया के सारे मुसलमान एक उम्मती के जिम्मेदार और पूरी दुनिया में एक उम्मती ईमान वाला तो सारी इंसानियत का जिम्मेदार जिम्मेदार है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें यह जिम्मेदारी अदा फरमाई है
ये तबलीग कोई कोर्स नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई गिरोह नहीं है, कोई जमात नहीं है, चंद लोगों का काम नहीं है। हर वो मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो तालीम के रास्ते से दीन को सीखे और तकिए के रास्ते से अपने दिल के रूप को सही करे और राय खुदा की मेहनतों के रास्ते से दीन पे चलने की इस्तेदाद और ताकत पैदा करे और गैर मुआफिक माहौल में और मुखालिफ माहौल में और बाजार और मंडियों में और जो है दीन पे चलने के लिए सदा और रफ्तार नहीं है, ऐसे माहौल के अंदर जाकर दीन पे चलने की इस्तेदाद और ताकत पैदा करके आए, अपने मकामी उलमा से दीन को मालूम करे, अपनी जिंदगियों में दीन को अमली जिंदा करे ताकि दुनिया की कौमों तक हमारा दीन अमली तौर से पेश हो जाए। इंसानियत के लिए पैदा हुआ है, मेरे जेब की पाई में और मेरे जेब के जो है माल के अंदर मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, जैसे मैं अपना हक समझता हूँ, अपनी बीवी का हक समझता हूँ, अपने बच्चों का हक समझता हूँ, अपने माँ बाप का भाई बहनों का हक समझता हूँ, ऐसे इस माल में मेरे जिम्मेदारों का हक है, मेरे पड़ोसियों का हक है, मेरे मोहल्ले की गरीब और बेवा औरतों का हक है, यतीम बच्चों का हक है, मुसाफिरों का हक है, आने वाले सफीरों का हक है, ये कैद खानों में जो मुसलमान कैदी है उनके छुड़ाने का हक है, जो अस्पतालों में है उनकी दवाएं पहुंचाने का हक है, और दुनिया में ये भटकती हुई इंसानियत जिसे अल्लाह का नाम और नबी का काम समझ में आ जाए इसके पीछे अपनी जान माल लगाने का हक है। ईमान इतने सारे चूके अपनी जान पे लगाने में पाबंदी है, अल्लाह के दीन पे लगाने में पाबंदी नहीं है, माल के जवाब से पूछने का जरूरत और जब मेरे भाई लोग बुजुर्गो इस उम्मत ने इस मकसद को समझा था और अपने दिल पर मेहनत की थी और अपने दिल से मकलों के यकीन को निकालकर एक खाली के यकीन को बिठाया था और माल के यकीन को निकालकर आमाल के यकीन को बिठाया था और अपने दिल के रुख को दुनिया से आकर्षित कर दिया था, तो फिर मेरे भाई लोग बुजुर्गो इस मुसलमान की दुर्गा समाज की ताकत और दुआ की ताकत ये थी कि जमाने का बादशाह शाहजहां जीवन रहमतुल्लाह के जमाने में शाहजहां बादशाह था, एक तरफ बादशाह है, एक तरफ मस्जिद का खतीब और इमाम है, एक तरफ हुकूमत की ताकतें हैं और एक तरफ कुरान आमाल और नमाज और दुआ की ताकत है। शाहजहां ने एक दिन ऐसा परिवार सुबह का दिन था, पहले की जाने मस्जिद में नमाज के लिए आना था और ऐसा परिवार फेंकते उठे अपने मुजाहिदीन से यानी अपने महल में रहने वालों से पूछा मैं कैसा लगता हूँ, तो हर बड़े के आसपास में चापूस होते हैं, अरे बादशाह सलाम आप तो छू रही है सुने हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ऐसे लग रहे हैं, मुसलमान की बीजे मिल जाएगी वो अल्लाह के मुकाबले में किसी मखलूक की कोई रियायत नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाई साहबा के रास्ते से अल्लाह की यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, चाहे तेरे टुकड़े कर दिए जाए, आग पे जला दिए जाए या चूल्हे पे चढ़ा दिए जाए। छोटे से नफे के लिए मुसलमान अपनी जबान के बोल को बदल देता है, शायद साहब करता है, मुश्किल की काफी की भेजा तारीफ आप उम्मा से पूछे उसके खौफ से उसके डर से हुकूम अलग चीज है अपना अलग चीज है लेकिन अल्लाह के मुकाबले में किसी की रियायत नहीं है। याद रखना ज्यादा रिजन का निवास लेके मंदिर में आ गया जुमा का दिन का दूसरे दरवाजे से इमाम को खतीब दिया है अल्लाह वाले जीवन रहमतुल्लाह अलैह। शाहजहां ने हजरत से पूछा अगर मैंने ये रेशम का रिवाज करना है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो बादशाह मैं जवाब को दे सकता हूँ अगर नमाज में कोई देरी की गुंजाइश हो बिल्कुल इजाजत है। अल्लाह जीवन रहमतुल्लाह अलैह उनके पेट से जल्दी से घर गए अपने झोपड़े में अपनी बीवी से और अपने मासूम बच्चों को कहा कि आज बादशाह ने एक बात पूछी है कुरान हदीस की रोशनी में जवाब देना है, हो सकता है जवाब पर जिंदगी का आखिरी फैसला हो जाए, हो सकता है मस्जिद से वापस भी ना हो, जो कुछ बच
वसीयत करना थी हजरत ने कर दी कि वो अपना मस्जिद लाए, आपने सुबह पढ़ा नमाज पढ़ाई और फिर मिंबर पे खड़े होकर बादशाह ने मिंबर पे खड़े होकर मुल्ला सीमन रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह की इस बात का जवाब दिया कि मुसलमान मर्द के लिए शरीयत इस्लाम में रेशम का पहनना दुनिया में हराम है, इस हराम को हलाल समझ कर पहने वो वाजिबुल कतल है। जमाने के बादशाह के सामने हक बात कहना तो दिल चाहते थे, जिस दिल में अम्मान की बुराई हो उसके दिल से मखलूक की बुराई निकल जाती है, दिल में मान का अभी दिल जिसके दिल में अमाल का यकीन हो उसके दिल से मान का यकीन निकल जाता है। फिर वो 500 की नोटों के 500 की गड्डी हो उसकी निगाह में बेजान है, फिर देती मत सहाबा के पैरों में जो मिट्टी आती थी जैसे उनके पैरों की मिट्टी उनकी निगाहों में जो कीमत रखती थी इतनी निगाहें दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के खजाने की कीमत रखते थे, इतनी कीमत। मदीने में मदाइन का खजाना आया, ईरान का खजाना आया, मदीने के अंदर ईरान का कीमती कालीन आया मदीने में, जिसके ऊपर हुकूमत ईरान कितनी वसी है, हीरे और मोतियों से जड़ा हुआ नक्शा था, ईरान कहां कहां तक फैला हुआ है और वो कालीन के सोने और चांदी के तार थे और हीरे और मोती जो नक्शा बनाया हुआ था। तो फारूकी में हर उमर अली अल्लाह तआला के दौर में जब वो मदाइन फतेह हुआ और उसके खजाने आए तो उसके साथ साथ वो कालीन भी आया, मुसलमान उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। अल्लाह ताला हजरत उमर फारूक अली अल्लाह तआला की खबर कबूल से मुनव्वर फरमाए और फरमान जाए काली कमरी वाले कारगर मदीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पर कि आपने वो तरबियती मेहनत फरमाई थी, एक एक साहबी से तैयार हुआ था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला मुसलमानों को देखा, ऐसा न हो कि उमर फारूक का कारनामा कयामत तक कहा जाए कि उमर फारूक ने ईरान फतेह किया था और ईरान के खजाने वाले थे फारूक के पास में। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने मुसलमानों से ललकार में कहा, खबरदार इसकी मोहब्बतों को दिलों में जमा मत होने दो, इसे मार के तकसीम कर दो, जिनके वालियों ने इनकी मोहब्बतों को दिलों में जमा किया अल्लाह ने उनके सरों से तार को उतार कर तुम्हारी ठोकरों में लाके डाला है, अगर इसकी मोहब्बतों को तुमने अपने दिलों में जमा किया तो याद रखना कल को जाकर तुम्हारे घर गहरों की ठोकरों में जाए। भाई बुजुर्गो एक मेहनत थी जिससे ईमान वाला तैयार होता था, मकानों पे मेहनत हो रही, कुत्तों पे मेहनत हो रही, चीजों पे मेहनत हो रही, सवारियों पे मेहनत हो रही है, मंडियों पे मेहनत हो रही, दुकानों पे मेहनत हो रही है, गाफिल है तो अपने दिल से गाफिल है, इस दिल पर मेहनत की कोई तकलीफ नहीं है। जब तक खुदा ने दिया है कभी निगाह उठाकर कभी आंख बंद करके इसकी तरफ निगाह नहीं डाली, अल्लाह ने साफ तफाव दिया था, अल्लाह ताला ने एकदम पाकिदा दिया था, इस दिल में इस मनहूस दुनिया की मोहब्बत को मेरे दिल में बिठाया है, ये मनहूस दुनिया को लेकर इसकी मोहब्बतों को लेकर मैं नमाज में आता हूँ, अल्लाहु अकबर कहता हूँ, अल्लाह के सिवा सब कुछ आता है, एक वो पाकिदार नमाज में याद नहीं आता। मुसलमान कहता है नमाज ही कौन सी नमाज चाहिए, वही काफी आमिन उतम आमन नाज ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा लाए। ये अल्लाह के नबी ने सोचा नहीं दिया, नबी ने नहीं दिया नहीं, आसमान से अल्लाह ने फैसला किया है, अल्लाह ही ने नबी को बुलाया है आसमान से, आसमान वालों को जमीन से कह रहे हैं अल्लाह तेरे नबी भूले तू मत भूलना, यहां से दुआ ऊपर गई आसमान यहां पर हूं और ऊपर से फैसला आया सीधे अपने महबूब पर। अल्लाह ताला ने अपने महबूब से लाखों पर पैगाम भेजा, ए हमारे महबूब आप हमारे हृदय को भूल गए, मेरे बंदे में जो रिश्ते रखते ज्यादा करीब हो मुझे पुकार कर दिया, सबको पुकारा उसे पुकारा नहीं पाया, सबको कहते हैं उसको कहना नहीं आया, सबसे उम्मीद वाबस्ता है उससे उम्मीद लगाना नहीं आया, आसमान की खबर अल्लाह के नबी सलम के पास आ रही है, अल्लाह मेरे हृदय को भूल गया, जब
जब जल्दी अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को सोचा दिया और जाते हुए कहा कि हुजैर को देना और हुजैर क्या कहता है सुन क्या। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तोशा लेकर सहाबे हैं हुजैर रजी अल्लाह ताला के पास गए और कहा कि हुजैर अल्लाह के नबी ने तोशा दिया है। वो तोशा लिया अरे हुजैर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ए अल्लाह तेरा शुक्र है। हाथ उठा के दुआ मांगी ऐ अल्लाह जैसे तू आसमान पर रहकर जमीन के हुजैर को नहीं भूला तू तौफीक दे के जमीन पे रहकर तुझे आसमान वाले खुदा को न भूलू। हुजैर को तौफीक दे के जमीन पर रहकर तुझे न भूलू। ये अल्फाज के चंद अल्फाज चंद कलमात थे वो सहाबी सुनकर आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजैर के कलमात जो तूने नकल किए हैं तो तेरी जबान से निकलने वाला नूर आसमान तक जा रहा है। जब हुजैर वो कलमात कह रहा होगा होगा तो उसके उसकी जबान से कैसे नूर आसमान तक जा रहा होगा। सलमान की जबान के बोल की क्या कीमत है। ये जबान ने झूठ को कमाल बना दिया कमाल जबान झूठ बोलने को कमाल बना दी धोखा देने को कमाल समझती है अपनी चीज का ऐप छुपाने को कमाल समझती है पुरानी चीज नहीं बनाकर बेचने को कमाल समझती है। ये कमाल नहीं थे मेरे भाई दोस्तों ये कमाल तो बढ़िया समझा करते थे नबियों के मानने वाले इसको कमाल ही समझे थे और समझते थे। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जबान कमा कर भी कहते थे इसकी वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे। हमारा नामी रिया वालती ने की नामी अल्फिल झूठ से पना मांगी है झूठ से पना मुसलमान तो सच्चाई दिखाता था अल्लाह उसके दिल की सच्चाई दिखाता था अल्लाह को। दिल अलग जबान अलग नहीं होती थी ईमान वाले की ईमान वाले का दिल और जबान नहीं थी। आज भी अलग है जबान अलग है जबान का अलग बोल है दिल में अलग है जबान पर मोहब्बत है दिलों में बुर्द अदावतें हैं। इस वक्त में मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो इल्म रह जाए अमल नदारत हो जाए और जबानों में मोहब्बत हो दिलों में बुर्द अदावत हो उस वक्त तो अल्लाह की निगाह में ईमान वाले अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं अल्लाह को अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। यह हारे इसलिए मुसलमान बेकीमत से हैसियत हो चुका है। ये लाइट और ये पंखा और ये दुनिया की सारी जो है ये इलेक्ट्रिक के जितने भी जो आलात है इसके पीछे ये वायर जो चल रहा है उसके अंदर एक करंट है करंट इसके पीछे का करंट है। जब तक वायर में करंट है बड़े से बड़ा पहलवान भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। और जिस दिन मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो इस करंट का इस वायर का ताल्लुक वो ऊपर थमले से और पावर हाउस से कट कर दिया फिर छोटा सा बच्चा भी इस वायर को लेके चलेगा। करंट चला गया करंट मुसलमान बगैर पावर का है पावर नहीं है। इसकी नमाज में पावर नहीं इसकी दुआ में पावर नहीं इसकी तिलावत में पावर नहीं इसके मजदूर अमाल में पावर नहीं। कौन सा पावर यकीन का पावर यकीन का ये पूरे वाक्य यकीन के साथ पढ़ता था सांप और बिच्छू का जहर उतर जाता था। आज पूरे वाक्य पढ़ता है बगैर यकीन के सर का दर्द भी नहीं उतरता। यकीन का पावर और मंजिलों में कुरान इमाम हुआ शिफा और रहमत लिल मोमिनीन मोमिनीन के लिए कुरान रहमत भी और शिफा भी है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो ये यकीन का पावर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है राय खुदा की मेहनतों में और जमात मदीने की तरफ वापस आ रही है। और जब मदीने में वापस आई तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे सवारी में है। मदीने के दाखिले से पहले मदीने वाले अपने बच्चों के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में अल्लाह के रास्ते में गए थे उनके इंतजार में है। एक बुढ़िया अपने बेटे को मिलने के लिए इंतजार कर रही है। मालिक इब्न सलमान ये सहाबी है
वो बुढ़िया इंतजार कर रही है अल्लाह की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे सहाबा का मजमा दाखिल हो रहा है। उस सहाबा के अंदर देख रहे काफले में बेटा मेरा मालिक नजर नहीं आता, इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सवारी दाखिल हुई। बुढ़िया अल्लाह के नबी की सवारी के सामने आ गई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अल्लाह के नबी मेरा बेटा कहाँ है, ये कौन है? ये मालिक की माँ है। अल्लाह के नबी ने जब उस सहाबी का नाम सुना, हुज़ूर को अपने मैदान की कारगुजारी सामने आ गई कि मालिक को अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे चुका है। बुढ़िया को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पीछे इशारा किया, जबान से भी बोले ऐसे इशारा किया। बुढ़िया समझ गए कि मेरा बेटा पीछे आ रहा है, पीछे तो सिद्धि के अकबर थे रजी अल्लाह अन्हु, वो पीछे आ रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजर सिद्धि के अकबर जब देख रहे थे, बुढ़िया आई है अपने बेटे की खबर पूछ रही है, अल्लाह के नबी ने पीछे इशारा कर दिया, बुढ़िया पीछे की तरफ आई, सिद्धि के अकबर की सवारी के सामने खड़ी हो गई और आकर कहा है अबू बकर मेरा बेटा कहाँ है? सिद्धि के अकबर रजी अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के खिलाफ नहीं किया, मेरे नबी ने पीछे इशारा किया है, अगर मैं कह दूंगा कि तेरा बेटा तो दुनिया से रुखसत हो गया तो नबी की इताअत के खिलाफ हो जाएगा। तो सिद्दीक अकबर ने भी अपने नबी की इताअत पर ऐसे पीछे इशारा कर दिया, बुढ़िया समझे पीछे आ रहा है, बस वो पीछे अपने बेटे को तलाश करने गई। इधर अबू बकर ने अल्लाह के सामने रोना शुरू किया, ए अल्लाह तू जानता है इस बुढ़िया का बच्चा तो तेरी आंखों से रहमत में पहुंच चुका है, उसकी शहादत हमने अपने आंखों से देखी है, तेरे रास्ते में वो कदर बना चुका है, इस बुढ़िया को तेरे नबी ने जवाब नहीं दिया, पीछे इशारा कर दिया, मैंने भी पीछे इशारा किया है, ऐसा ही तेरी बंदी पीछे जाएगी अपने बच्चे को नहीं पाएगी, इसका यकीन नबी की सदाकत से हटेगा और इसका यकीन मुसलमानों के पर हटेगा, ए अल्लाह मेरी जबान की तू लाज रख ले, तेरे नबी के इशारे की लाज रख ले, ए अल्लाह तू अपनी सारी ताकत और कुदरत के साथ मौजूद है। अल्लाह ताला ने अगर जिब्रील ने सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील अबू बकर ने मालिक की माँ को पीछे इशारा किया है, इससे पहले कि मालिक बिन सन्नान की माँ अबू बकर के काफिले के पीछे के हिस्से में पहुंच जाए, जिब्रील जाकर राय खुदा के अंदर दफन होने वाले मालिक बिन सन्नान को कब्र से निकालो, उसे तेज सवारी दो, उसे जल्दी से जो है दौड़ाओ, और इससे पहले कि उसकी माँ काफिले के पीछे जाए, ए जिब्रील इसके बच्चे को काफिले में शामिल करो। आज मुसलमान जबान में बोल बदल गए, हाथों के नुक में बदल गए, कमाइयां बदल गई, नजरें बदल गई, जज्बात बदल गए, मेहनतों का रूप बदल गया, दिलों की दुनिया बदल गई। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, दुनिया की मंडियों में मेहनत जितनी मेहनत करेंगे इतना माल आएगा, जितना माल आएगा इतनी चीजें आएगी, जितनी चीजें आएगी उसी जिंदगियां बनेगी। मेरे भाई बुजुर्गो, ये बातिल का यकीन है और अल्लाह के नबी के दुश्मनों का यकीन है, ये ईमान वालों का यकीन नहीं है, ये यहूद और नसारा का यकीन है, ये बलियों का यकीन है, नबियों के मानने वालों का यकीन ये नहीं है, नबियों के मानने वालों का यकीन ये है। जितनी मेहनत अपने दिल पे करेंगे उतना यकीन बनेगा, जितना यकीन बनेगा उतनी उससे अमान बनेंगे, जितने अमान बनेंगे उतनी दुआ बनेगी और जितनी दुआ बनेगी उतने हालात बनेंगे, हालात दुआओं से बनेंगे, हालात अमान से बनेंगे, हालात मान से नहीं बनेंगे, हालात अस्बाब से नहीं बनेंगे। इस उम्मत की बुनियादों को ईमान और अमान पे रखा गया है, इसे माल और सामान की बुनियाद नहीं चला गया, माल और सामान की बुनियाद पे तो बनियों की औलादें जिया करती है, नबियों के मानने वाले ने अगर अपनी बुनियादों को माल और सामान बनाया है तो इससे अपनी कीमत को मिटाया है, अपनी हैसियत को गिराया है, ये हमारी कीमत नहीं है कि हम अपनी जिंदगी का बदलाव बिगड़ना माल और सामान को बुनियाद बनाए। मेरे भाई दोस्तों, हम सब तौबा के लिए जमा हुए हैं, याद रखना तौबा के लिए जमा हुए हैं, पता नहीं किसकी जिंदगी की आखिरी मंजिल हो, कोई नहीं कह सकता, किसकी जिंदगी की आखिरी रात हो, किसकी कम कौन सी गली में शाम होने वाली हो, तौबा करें तौबा, और तौबा अल्लाह को पसंद है,
अल्लाह चाहते मेरे बंदे तो आ गए शकल तुम अमन तुम शाकिर इतने प्यारे अंदाज में अल्लाह कह रहे मुझे अल्लाह देखे क्या मिलेगा मेरे बंदे मुझे अल्लाह देखे क्या मिलेगा क्या युवा नदी नाशकुटी अल्लाह ताला कितने प्यार एक अल्लाह वाले की तफसीर फरमा रहे थे अल्लाह कहते हैं तुझे किसने कह दिया मैं तुझे माफ नहीं करूंगा तुझे किसने कह दिया मैं तुझे माफ नहीं जमीया मेहनत करते करते परेशान हो गए कर्जदार हो गए कर्जदार हो गए औलादे नाफरमान हो गई औरतें नाफरमान हो गई जवान बच्चियां नाफरमान हो गई आज भी मेरे भाई लोग बुजुर्गों को अपने अपने दिल के रूप को बदल दे तोबा के ऊपर आ जाए जिंदगी का फैसला करे मेरे भाई लोग बुजुर्गों खुदा पाक की कसम वो अल्लाह ताला के कुदरत के साथ है जिनसे हालात बिगड़ चुके हैं अल्लाह आनंद आनंद और हालात बना सकते हैं इंफिराजी हो इंफिराजी इज्तिमाही हो इज्तिमाही अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बारिश बंद हो गई मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर दुआ के लिए मैदान में आए हैं ऐसा बारिश बरसा दे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मूसा तेरी जमात में तेरी कौम में एक आदमी हमारा चुनेगा जब तक वो तेरे साथ साथ जब तक तेरे जमात से अलग नहीं होगा हम तेरी दुआ कबूल नहीं करेंगे उसे कहते कि अपनी जमात से अलग हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया भाई कौन है अल्लाह का नाफरमान सुनेगा इससे से निकल जाए हम दुआ मांगने के लिए जमा हुए हैं अल्लाह बारिश बरसा दे मकरूह के लिए इसकी इसकी वजह से अल्लाह की यहाँ जो है हमारी सही नहीं है इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। इतने मजमे के अंदर जो गुनेगार था उसको जानता था मैं कितना बड़ा गुनेगार मैं कितना बड़ा पापी उसने उसने मुसल्ला नहीं बिछाया उसने वुज़ू नहीं किया उसने हाथ नहीं उठाए उसने जबान की हरकत नहीं की उसने दिल ही दिल के अंदर आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में तौबा की ए वो बालदार आज तक तुमने मेरे गुनाहों पर सरकारी का मौका दिया मेरे ऐबों को तुमने छुपाया है आज ये पूरी कौम के बाहर निकलूंगा मेरे ऐब सबके सामने जाहिर होंगे ए अल्लाह तुम मुझे दलील में पढ़ना तुम मुझे रुकवाना पढ़ना मैं तेरे सामने सच्चे दिल से तौबा करता हूँ अल्लाह माफी मांगता हूँ आज के बाद तेरी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा ए अल्लाह करम कर दे ए अल्लाह आज इज्जत बचा ले ए अल्लाह मेरे गुनाह को जाहिर न करना ए वो सच्चा जिसने आज तक सरकारी फरमाई ए अल्लाह तुझसे मैं सवाल करता हूँ सरकारी का अल्लाह ताला ने उसकी तौबा पर आसमान से बारिश शुरू कर दिया बारिश होना शुरू हो गई मुर्दाने से ताजु करने लगे ए अल्लाह तूने कहा गुनेगार निकल जाए अभी तो हमारी कौम में से कोई गुनेगार निकला भी नहीं और तुमने बारिश शुरू कर दी अल्लाह ताला फरमाया मूसा जिस पापी की वजह से बारिश होती थी उसकी तौबा की वजह से बारिश होती थी उसकी तौबा की वजह से बारिश हुई वो करीम है वो रहीम है वो मेहरबान है मेरे भाई और बुजुर्गो सभी को हाजत देख कर देता है और करीम को मेरे भाई अपनी शान से देता अपनी शान से सबसे बड़ी मेरे भाई दोस्तों तो हमारी कमकट ये है हमने उस बात को नहीं पहचाना हमारे आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का पूरा पूरा सरमाया मेरे भाई दोस्तों को उन अल्लाह की पहचान के पीछे लगा है जिस नबी को अल्लाह ताला ने इतना मुबारक जिसम अता फरमाया जिस पर नापाक मक्खी को बैठना जिंदगी में एक मरतबा दौरा नहीं किया ये हमारे महबूब का जिसम है दुनिया की मक्खियों को हुक्म कर दिया खबरदार मेरे नबी के जिसम पर तुम्हें देखना नहीं है जिस नबी के जिसम से निकलने वाला पसीना मुल्क और अंबर से ज्यादा कुछ गुजार था हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं दोपहर के वक्त अल्लाह के नबी हमारे घर में आराम करते गर्मी शराबोर की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने में शराबोर होते हम आपके पसीने को जमा करते अजीब गरीब खुशबू आती थी मेरी माँ जो है गुलाब तेल बनाया करती थी नबी के आने के पहले हम लोग पहले फूलों की पत्तियां डालते थे लेकिन जिस दिन से नबी का पसीना डालना शुरू किया बर्तन से तेल खत्म हो जाता नबी के पसीने की खुशबू खत्म नहीं होती थी फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अल्लाह झूम कर ये कह रही है बातें सबा ऐसी खुशबू चमक के फूलों में कहा जो नबी के पसीने में होगी
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا بس اس وجہ ہے اپنے نبی کی سیرت کو نہیں جانا. کبھی علماء کے پاس نہیں بیٹھے, کبھی نبی کا خریدنا بیچنا, کبھی نبی کا چلنا, کبھی نبی کے اخلاق, کبھی نبی کی تنہائی, کبھی نبی کی مجلسیں, کبھی نبی کے دین, کبھی نبی کی رات, کبھی نبی کے اکھڑوں میں رہنا اور کبھی نبی کا رائے خدا میں دانتوں کا لگانا. میرے بھائی اور بزرگوں سب کی جو ہے تاریخ کو جانتے ہیں, نبی کی تاریخ کو نہیں جانتے. ایسے مقدس نبی جس کو دنیا بنانے سے پہلے نبی بنا دیا گیا, اس دنیا کے بنانے سے پہلے جس کو نبی بنایا جا رہا ہے, ایسے مقدس نبی کی امت میں مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ایسے مقدس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے تمنائیں ظاہر کی تھی. میرے بھائی دوستو بزرگو ایسے مقدس نبی کی امت میں مجھے آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کا حق کیا ہے؟ خالی محمد ہی کہلانا؟ نبی کی امت میں پیدا ہونے کا حق یہ تھا. میرے بھائی دوستو بزرگو جیسے نبی کی نماز ایسے مسلمان کی نماز, جیسے نبی کا روزہ ایسے امتی کا روزہ, جیسے نبی کی حج ایسے امتی کی حج, جیسے نبی کی فکر ایسے امتی کی فکر, جیسے نبی کا ظاہر ایسے نبی کا باطن. کہ نبی کا باطن کیا تھا؟ کہ نبی کا باطن تو دائم الفکر دائم الحسن تھے. آپ 24 گھنٹے اپنی امت کے لیے بیچے ہونے کرا رہے تھے. تشریف لائے ہمارے امی جان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا. آپ کا چہرہ تو ایسے ہی 24 رات کے 4 سے زیادہ منور ہوتا تھا. آپ اندھیرے میں آ جاتے وہ زیادہ ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ ہماری امی جان کپڑا پی رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں موجود نہیں ہے, ہاتھ سے سوئی گر گئی. گھر میں اندھیرا تھا اور اندھیرے کی وجہ سے سوئی معلوم نہیں ہوئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لائے. آپ کے چہرے پہ لاکھوں نور نازل ہو, آپ کے چہرے پہ لاکھوں رحمت نازل ہو, آپ کے چہرے پہ لاکھوں جانت نازل ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چہرے کے ساتھ گھر میں تشریف لائے. امی جان فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے چہرے سے نکلنے والے نور کی وجہ سے میرا گھر سارا نور نورانی ہو گیا, اور جو سوئی ہو چکی تھی اللہ کے نبی کے چہرے کے نور میں اس سوئی کو میں نے دیکھ لیا اور پا لیا. اس نبی پر 2 مرتبہ درود پڑھنے کا وقت ہے. نبی کی امت کی دقت اور باسی بات نبی بن سلیمان شیر نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ والے حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, اپنے مقام سے چلے ہیں اوپا تک پہنچے. اوپا میں حج کی تیاری کے لیے سامان سفر کی تلاش کے اندر بازار میں چل رہے تھے. چلتے چلتے دیکھا راستے کے سرے پر کچرا بھرا ہوا پڑا ہے. ایک عورت میرے کچرے کپڑے ظاہر میں پھٹیارے جیسی معلوم ہو رہی ہے, اس کچر میں سے گول کاٹ کاٹ کے تمدیل میں رکھ رہی ہے. کبھی بھی سلیمان کی نظر پڑ گئی کہ کوئی پھٹیار عورت ہے مردار جانور کا گوشت لے کے جا رہی ہے اور یہ پکا کر آدمیوں کو کھلا رہی ہے. سکوت نہیں کرنا چاہیے, اپنا خریدنے کا میرے موقف کر دیا, اس کے پیچھے پیچھے چلے کہاں جاتی ہے. وہ عورت ہے اپنی زمین میں گوشت لے کر چلتے چلتے بالکل شہر کے باہر ایک انجان جگہ کے اوپر پرانا پوشیدہ مکان, اس کی دیواریں بھی اونچی اونچی, اس کا دروازہ بھی اونچا تھا. جیسے گھر سے دستک دی بولو اندر سے آواز آئی کون کام بول رہا ہارو کماری ماں دیکھا میں سنا نہ سکے گی. کھول کے اندر داخل ہوئی کبھی ان سے لوا چلنے بھی پیچھے گئے اور دراز دروازے کی دراز میں سے دیکھا تو گھر پورا اندر سے کرتا ہار پوٹا. اس عورت نے گمبھیر کو اپنی بچیوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ لو بیٹا اس گوشت کو پکا لو اور کھا لو, اللہ کے بڑے پیار ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اس کے لیے جو روزی چاہتا ہے پہنچاتا ہے, اللہ نے تمہاری یہ روزی پہنچائی ہے. کبھی بھی سلیمان رحمت اللہ علیہ اس دراز سے دیکھنے لگے آپ کو تکلیف ہوئی کہ عورت کیا کر رہی ہے اپنی بچے کو مردار کھلائے گی تو باپ سواز کو اللہ کی مرضی پھیر جا اپنے بچوں کو مردار مت کھلا.
हमारी शक्ल में बोला बताना जायज नहीं है। और करेंगे हम जानते हैं कि मजूसियों के अलावा दुनिया में किसी मजहब में भी मुर्दार का खाना जायज नहीं है, लेकिन शरीदी के फाके के बाद में मुर्दार का खाना जायज हो जाता है। हम खानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं, नबी के खानदान के हैं, और इन बच्चियों का बाप बड़ा शरीफ था और वो अपनी बच्चियों के लिए अच्छे रिश्ते करना चाहता था, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई तो दुनिया से रुखसत हो गया। जो तड़का उसने जो माल छोड़ा था तो चंद रोज खाते खाते खत्म हो गया। हमारे घर में कैदी का माता है, मेरी बच्चे को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो कभी भी सुलेमान की आंखों में हंसू आ, उसके घर से वापस हुए घर आए और अपने पास जो हल्का खर्चा था तो लिया। देखो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, हम ये नहीं कहते कि आप हज पढ़ने जा रहे हैं तो हज को मौकूफ करके अपने इलाके की देवा और यतीमों को मार दे, हम ये नहीं कहते। आप उम्मा कर वो अल्लाह वाले थे, एक साल हज करते थे, एक साल अल्लाह के रास्ते में जाते थे। उस जमाने का अल्लाह का रास्ता छह छह महीने का साल साल का होता था, वो नफिल हज था। हाँ आज उमरा से उमरा कर रहे, नफिल हज से हज कर रहे, और पड़ोस रखिया चार बच्चियां सिर्फ माल की वजह से उसे निकाह नहीं होते गरीब की, और हम पता नहीं कितने उमरा कर चुके हैं। उलमा से पूछ रहे इस वक्त मेरा उमरा करने ज्यादा बेहतर है कि आपने कहा कि गरीब मुसलमान खवातीन के जवान बच्चों का निकाह करना और उनके हाथ को सीधे करना जरूरी है। कितनी मुसलमान बच्चियां मेरे भाई दोस्तों दो हाथ के अंदर और बाजारों में जहां पर इज्जत नीलाम होती है, जब जहां हमारे साथी जब मुलाकातों के लिए गए तो कितनी बच्चियां मुसलमान मिली जो अपनी इज्जत को दांव पे लगा रही थी, कितनी जवान औरतें मिली, मासूम मासूम बच्चों की माएं मिली जो अपनी इज्जत को जो है रातों में दांव पे लगा रही थी। मुसलमान साथियों ने तबका भी ढोल के जरिए पूछा, अल्लाह की बंदियां तुम ये काम क्यों कर रहे हो? वो कहने लगी, बेटा हमारे घर में कैदी का पाता है, मैं अपने बच्चों को क्या दिलाऊं? हम सरकार देने के बाद भी समझते हैं हमारे माल का हाथ अदा हो गया, ये माल अल्लाह ने उसके नहीं दिया। खुदा की कसम मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, ये अल्लाह के नबी की उम्मत इस वक्त देहातों में और इस वक्त गुरबत के अंदर हमारे भाई व्यक्ता करवाते हैं। आदमी को जो है फकर कुफर की तरफ ले जाता है, फकर कुफर की तरफ ले जाता है। ये जवान बच्चियां अपने अपनी गुरबत के लिए, अपने पेट पालने के लिए अपनी जो है अपनी अपना मुबारक जो है और अपना ईमानी अपना ईमानी सौदा कर रही है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, हमारे घर में माल के ढेर पड़े हैं, हम इंतजार करते हैं इस साल उमरा करेंगे। भाई ने चार किए, मैं पांच करूंगा। मेरे साले ने छह किए, मैं सात उमरा करूंगा। उन्हें रमजान के तीन उमरा किए, मैं रमजान के चार उमरा करूंगा। नहीं मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, माल कहाँ लगाना, कैसे लगाना, कितना लगाना, ये आपको सीरत की रोशनी में मिलेगा। नबी बिन सुलेमान अपना नफिल हज के लिए जा रहे थे, अपने मकान पे जहाँ कयाम था गुफा में, जल्दी जल्दी आए, भाई ने देखा क्या हुआ तो भाई को कहा कि भाई ये तो ऐसे हालात लेके आए हो, अब मेरे हज का इरादा नहीं है, मैंने पूरा हज का खर्चा मैंने देने का इरादा किया है। तो भाई जो है हज के सजाए सुना लगे कि मतलब मुझे पता है मैंने हज किए है और मैं हज के सजाए को जानता हूँ। छह सौ दिरहम थे आपके पास में, उसमें से आपने 200 दिरहम का आटा खरीदा और 400 दिरहम कुछ कपड़े खरीदे और 400 दिरहम उस आटे में छुपा दिए और आटा और कपड़े लेकर उस बुढ़िया के घर में पहुंचे। दस्तक दी, मुका अल्लाह की बंदी, वो कहने लगे कौन? कि मैं परदेसी हूँ। ये परदेश से आगे तू क्या चाहता है? हम ऐसे मुसीबत के मारे हैं कि नहीं नहीं मैं जब कहकर गया था जरा ठहर जाओ, जल्दी से जल्द दरवाजा खोलो। तो बच्चियां जो है जल्दी से पर्दे में चली गई, बुढ़िया जो है अपने चेहरे पे जो है चादर डालकर बैठ गई। नबी बिन सुलेमान दाखिल हुए, आटा पेश किया, कपड़े पेश किए, जैसे आटा कपड़े देखना था और उस बुढ़िया की आंखों से जार पकड़ आंसू बहना शुरू हुए। उसने हाथ उठा के दुआ मांगी, ए अल्लाह इस परदेसी को इसकी सखावत का बदला अदा फरमा और जल्दी से इस पर जाहिर फरमा कि इसने जो सखावत की है इसका बदला इस पर जाहिर हो जाए। उसके बाद में बड़ी बच्ची ने दुआ दी, छोटी बच्ची ने दुआ दी, और बच्ची ने दुआ दी, एक बच्ची ने अजीब दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमारे दादा के साथ तुम्हारा हशर करना। चलिए पार होगा मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, नबी की बेटियों पर रहम करने वालों का अल्लाह क्या मकाम होता है, नबी की उम्मत पर रहम करने वालों का अल्लाह क्या क्या मकाम होता है। आज उम्मत मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों दीन के एतबार से क्या है। नबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने
दुआएं सुनी और आमीन कहकर उसके घर से वापस हुए। रास्ते में बड़ा रंग गम हुआ, हज के लिए नहीं जा सका, हज का काफिला रवाना हो गया, गुफा में ही ठहर गए। और जो है जब तक हाजियों का काफिला वापस नहीं आया, आप गुफा में ठहरे रहे। पहला हाजियों का जो है जहाज आया और गुफा में आप ठहरे थे। काफिले के पहले शब्द से जाकर आपने दुआ की दरकार की, लाओ हाजियों की दुआ लू। आपने दुआ की दरकार की, अल्लाह आपकी हज को कबूल फरमाए, आपकी सही और कोशिश को कबूल फरमाए, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। हमारी आप दुआ करे, वो कह रहा है ऐसे कैसे कहते हैं आप हमारे साथ हज में नहीं थे, हमारे साथ अरफात में नहीं थे, हमारे साथ मीना में नहीं थे, अब क्यों आप इनकार करते हैं। तो रबी बिन सुलेमान ने कहा अल्लाह की शान, मैं तो कूफा छोड़ के गया भी नहीं हूँ, और ये क्या कहता है, कुछ समझ में नहीं आती बात। आप वापस अपनी कयामगाह पर आ गए। उस दिनों के बाद में आपकी वो बस्ती का काफिला जिससे आपको साथ में हज करना था, वो जब आप कूफा में आया, आप मिलने के लिए गए और उन लोगों से कहा, कहते हैं उस शख्स के लिए दुआ करो जो बिल्कुल दरवाजे की हाजिरी से महरूम हो गया। वो कहने लगे कि अल्लाह के बंदे अब इंतजार करता है, हमारे साथ तो अरफात में नहीं था, हमारे साथ रबी दरबार में नहीं था, मीना में नहीं था, उनमें से एक आदमी बाहर निकला काम लेके और एक पहली इंतजार कर दी कि देखो तुमने जो है रोजे अफजल पर जो है इंतजाम और भीड़ की वजह से ये थैली तुमने मुझे मेरे पास रखाई थी और ये थैली तुमने मुझे अमानत के तौर पर दी थी, ये लोग तुम्हारी थैली। रबी बिन सुलेमान कहते हैं अल्लाह की शान, न मैंने इसको थैली दी न मैंने थैली रखाई, बस अल्लाह ही जानता है थैली मेरी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर लिखा था मन आम रबीहा, जो हमसे मामला करता है नफा कमाता है। रबी बिन सुलेमान कहते हैं ईशा की नमाज पढ़ी, मामला पूरे किए, घर पे आया, मां नाक लगी थी, अल्लाह के प्यारे नबी दाजदार मदीना हजरत मोहम्मद की ज्यारत हुई, अल्लाह के नबी के साथ आकर फरमाया इसका खुलासा हुक्म है, ए रबी हम तुझ पर कितने गवाह पेश करेंगे, तेरी हज हो गई, सुन जब तूने अपने हज के खर्चे को मेरी औलाद पर तूने जो है कुर्बान कर दिया और अपना जान दे रहा मेरी औलाद के लिए तूने सदका कर दिया, तो मैंने यार से अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह रबी ने मेरी औलाद पर अपना हज का खर्चा लगा दिया, इसे हज का बदल अदा फरमा और इसे इसके खर्च का बदल अदा फरमा, सुन अल्लाह ताला ने मेरी दुआ पर तेरी शक्ल का एक परीक्षा कायम किया जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा। नबी की बेटियों पर नबी की औलादों पर खर्च करने वालों को अल्लाह की बता देते हो तो नबी को तो अपनी औलादों से ज्यादा अपनी उम्मत से माफ कर दे, उम्मत के लिए, उम्मत के दीन के लिए, उम्मत की आखिरत के लिए कोई अपनी जान लगाएगा, कोई अपना माल लगाएगा, कोई अपने जज्बात कुर्बान करेगा, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो सोच नहीं सकता, दुनिया की आंखें देख नहीं सकती, उसके आवाज के दफ्तरों के अंदर परिश्रम उसका आजर लिखते लिखते थक सकते हैं। खुदा की कसम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की आखिरत के लिए थकने वालों को, रोने वालों को, जान की सांस लगाने वालों को और माल की पाई लगाने वालों को अल्लाह ताला लिखने नहीं देंगे, अल्लाह महरूम होने नहीं देंगे, अल्लाह फकीर होने नहीं देंगे, अल्लाह ताला उनके अजर को अजर अजीब करके अल्लाह ताला का फरमाए। अल्लाह के नबी तो घर में आए, आप अम्मी जान वैशा रजी अल्लाह ताला ने बुजुर्ग पाक खिलाफत से दुआ की बर्दाश्त की, अल्लाह के नबी खिलाफत ने हाथ खाए और दुआ मांगी अल्लाह वकील इलाजम दिया अमां आखिर अल्लाह ईसा की मकबर फरमा दे, आगे पीछे माफ कर दे। अल्लाह के नबी की दुआएं सुनकर हमारी अम्मी जान बहुत खुश हो गई। अल्लाह के नबी खिलाफत ने खुशी में देकर पूछा आयकर क्या बात है, अल्लाह के नबी खिलाफत ने पूछा, हमारी अम्मी जान ने अर्ज कर दिया अल्लाह के नबी मेरी किस्मत कि आज अल्लाह के नबी की जबान से वो दुआओं के कलमात मिले हैं। आयशा ने जिंदगी में पहले कभी ऐसी दुआओं के कलमात नहीं सुने, और वह क्या काली कमरी वाले ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत पर हमारी बेटियां आपकी बेटियों में कुर्बान हो और हमारे बेटे आपके नवासों पर कुर्बान हो। सरकार ने फरमाया ए आयशा जिन दुआओं को जिंदगी में तुमने पहली मरतबा सुना है सुन ले, ये दुआएं अपनी उम्मत के लिए रोजाना पांच मरतबा करता हूं। उम्मत से इतनी मोहब्बत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो वो नबी की उम्मत आज दुनिया के अंदर की फाल में जिंदगी गुजार रही है। हम कुछ पहले में ना रहे मुस्लिम ममालिक के अंदर जिसे मुस्लिम ममालिक कहा जा रहा है, उन मुस्लिम ममालिक के उम्मत का ये हाल है। चंद साल पहले यूरोप का मदीना कहा जाता मदीना, ऐसे मदीने में
यूरोप के मदीने में जब तक जमीन ने कदम रखा, दूर दूर तक किसी के चेहरे पर नबी की सुन्नत नजर नहीं आ रही, किसी के लिबास पर नबी की सुन्नत नजर नहीं आ रही। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा लग रहा था कि किसके मुल्क में आ गए। पता चला चंद साल पहले ये मुल्क डहरियत का शिकार हुआ था। आज ये हाल है, मुसलमानों को पता नहीं है, लाखों की तादाद में मुसलमान है, वो मुसलमान नमाज किया, रोजा किया, हज किया, ज़कात किया, नबी पर दुरूद किया, नबी का नाम भी लिया। इस उम्मत के लिए पेट पत्थर बांधे थे, इस उम्मत के लिए दो पाकीज़ा बेटियों को एक मजलिस में तलाक हुई थी। कोई बाप का तसव्वुर करे किसी की बेटी को तलाक हो, शरीफ बाप की शरीफ बेटी को तलाक हो, वो बाप ऐसा सोचता है कि जमीन फटे बदतर उतर जाए। दुनिया के तमाम मर्दों में सबसे ज्यादा शरीफ बाप और दुनिया की बेटियों में सबसे ज्यादा शरीफ बेटियां उस नबी की है, और भरी मजलिस में आकर वो अल्लाह के नबी का दुश्मन नबी की बेटियों को तलाक दे रहा है। ये उम्मत के लिए हमारे नबी ने अपनी इज्जत को दांव पे लगाई, अपनी इज्जत को अपना जान लगाया, अपना माल लगाया, अपना वो प्यारा जिस्म जिस पर मक्खी होगा बैठना अल्लाह ने गवारा नहीं किया, उस जिस्म पर पत्थरों की बारिश हो रही है। नबी का कदम उठता है और पत्थर गिर रहा है, अल्लाह के नबी का जिस्म जो है जहां से छल्ली हो चुका है। देख इतने हारे चाहती अल्लाह के साथ में है, आपने देखा अब नबी पैदल चलना मुश्किल है, नबी का ऊपर जो है वो रखी जारी हो रही है, हुजूर अकरम गिरने वाले हैं। अजर देव ने उठाया अपने कंधों पर, अजर देव ने कंधोड़े ने एक बगीचे में जाकर नबी को सुलाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से जो है इफाका हुआ, अल्लाह के नबी के सामने उजवा का बगीचा, दुश्मन का बगीचा, जो दुश्मन दुश्मनी कर रहा है, कान का दुश्मन है, जख्मों को देखकर उसे भी रहम आ गया, जख्मों की रहम आ गया। जल्दी जल्दी अंगूर तोड़े बर्तन में लिए, देने जा रहा था लेकिन दुश्मनी याद आ गई, अपने गुलाम को दिया कि जाकर जब खिला दे। देख मोहम्मद की उम्मत ने मोहम्मद का क्या हाल किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नसीब से अपनी आंखों से देखा लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की तौफीक नहीं मिली। मैं और आप कुछ नसीब है, हमने अपने नबी को नहीं देखा लेकिन जब नाम आता है तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा भी नसीब करता है, ऐसे नहीं होते हैं। पाप करना पड़ते हैं और आंखें पाक करना पड़ती है, और ये जबान झूठ से पाक करना पड़ती है, और ये दिल सारे ईमान वालों के कीने से कपड़ से बुग्ज अदावतों से दिल को पाक करना पड़ता है, उसके बाद में उस पाक नबी की ज्यादा होती है। ऐसा नहीं होती, अल्लाह के नबी सलाम के सामने अंगूर का बर्तन लेकर अल्लाह के नबी का उम्मती उत्पाद का गुलाम आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, आप अपने जख्मों को भूल गए, आप अपनी चिंता को भूल गए, आप अपने भूख को भूल गए। एक एक उम्मती के लिए नबी अपनी भूख को भूल जाते थे, अपने जख्मों को भूल जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे भाई तू कहां का रहने वाला है? कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। अरे नैनवा तो मेरे भाई रूस की बस्ती है। वो कहने लगा कि आप यूनुस अलैहिस्सलाम को जानते हैं? कि हाँ, वो नबी थे, मैं भी नबी हूँ। वो मेरे भाई थे, वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। क्या आप नबी हैं? कहाँ मैं नबी हूँ। कि क्या कलमा है आपका? किला अल्लाह के नबी ने जैसे कलमा तेज किया, उसने कलमा कबूल किया, अल्लाह के नबी का चेहरा चमक गया। अपने तारीफ के जख्मों पर जाके नबी भूल गए, सारी दुश्मनियां भूल गए, एक उम्मती ने कलमा पढ़ लिया, नबी अपने सारे जख्मों को भूल गए। आज मेरे भाई दोस्तों, हमारी जबान से कितने दिल भूल गए, हमारी जबान से कितने काम से दूर हो गए, हमने कितनों को हकीक समझ लिया, हमने कितनों को मशवरे में गिरा दिया, हमने कितनों की जो है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों को खबर नहीं ली, पता नहीं कितनों के दिलों को हमने तोड़ दिया। अल्लाह के नबी का एक एक उम्मती बुजुर्गों, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हाँ चोरों से मोहब्बत करते थे, चोरों से चोर का हाथ काटा जा रहा है, अल्लाह के नबी खाले मारने हो रहे, अल्लाह के नबी को दुश्मनों के लिए बेचन हुए करार होते थे, अल्लाह के नबी सलाम के रास्ते में कांटे बिछाने वाला ऐसा वो नौजवान जो अल्लाह के नबी को हर वक्त तकलीफ देता था, कई दिनों से नजर नहीं आया। आपने हजरत रजी अल्लाह से पूछा, ऐसे तो नजर नहीं आता, हुजूर वो तो बीमार है। अल्लाह के नबी ने कहा कि वो बीमार है, आपने उसे कहा भी नहीं। अल्लाह के नबी सलाम दो सहाबी के साथ चली गए, उसके घर तशरीफ ले गए, उसके घर में दस्तक दी, अंदर से पूछा कौन? आपने कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहूदी का घर था, उन्होंने पूछा इनके वक्त में
ये कौन आ गया? दरवाजा खोला, हुजूर की पाकदार निगाह में चेहरा, आप घर में दाखिल हुए, माफी मांगते उसके बाप से, मुझे माफ कर देना, आपका बच्चा बीमार था, मुझे पता नहीं था। हुजूर जल्दी जल्दी उसके सामने गए, उसके सामने अल्लाह के नबी देखते रहे हसरत भरी निगाहों से। उसके बाप ने कहा, अगर तुम्हें इसके लिए दवाई की जरूरत हो तो मैं दवाई ला के दे दूँ, तुम्हारे घर में पानी की जरूरत हो मैं पानी भर के दे दूँ, तुम्हारे घर में खजूरों की जरूरत हो मैं खजूर ला के दे दूँ, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। आपने उस बच्चे को हसरत भरी निगाहों से देखा, आपकी निगाहें निगाह नबूवत थी, नबूवत वाली निगाहों से टाल लिया, ये बच्चा मरद में है और ये मरजूल वफात है, इसी मर्द में बच्चा दुनिया से रुखसत होने वाला है। आपने बेकरारी के साथ उस बच्चे को इनका देखा, अब भी तुम मेरा अपना नबी नहीं मानेगा, अब भी तुम मेरा अपना कलमा नहीं पड़ेगा, और अब भी तुम जो है अल्लाह अल्लाह को अपना रब मानकर अब्दुल आबादी जहनम की आग को बचने का सामान इत्यादि करेगा। वो बच्चा बैठे ने कभी नबी के चेहरे को देखता, कभी बाप को देखता, कभी नबी को देखता, कभी बाप को देखता। उसके बाप ने देखा कि जो है मेरा बच्चा बैठे है, उसके बाप ने कहा बेटा तुझे इख्तियार है इस वक्त तू जो चाहे कर ले। उसके उसके बच्चे ने कहा अशरफ अल्लाह का तक्वा वाशरफ अल्लाह का मुहम्मद अब्दुल हुवा रसूल। जब मैं कलमा पढ़ना था नबी की आंखों से दारो पता हम शुरू हो गए। आपने हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐसा तू गवाह रहना तेरे नबी के रास्ते से तूने नबी के उम्मत को जानवर से बचा लिया। घर वालों ने देखा, अरे कौन जात है जिसको जिंदगी भर हमारा बच्चा भगाता रहा, हम जिसको बुरा भला कहते रहे, वो आज हमारे घर आ गए हमारे बच्चे के लिए, हमारे बच्चे की आकर की फिक्र में उस नबी ने बेकरारी के साथ दुआ मांगी। जुदा के बच्चे नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब अल्लाह के नबी उसके घर से निकलने लगे, उसके बाद से अल्लाह के नबी की चादर को पकड़ लिया, हमारे बच्चे की तस्वीर बाद में होगी, पहले हम सबको कलमा पढ़ा, हम सब की बात में दाखिल होकर आज तक आपको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते थे, आज तक हमारे जमाने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के लिए बेचैन होने का है। हम सबको कलमा पढ़ा दो ताकि अल्लाह ताला हमें भी जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह के प्यार नबी ने पूरे सहारे को कलमा पढ़ाया। हजरत फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से चले, आपका चेहरा चमक रहा था, कभी आप सब को देखते अल्लाह के नबी की आंखों से दाव पता रहा, तू कह रहे थे अल्लाह तेरा एहसान है तेरा शुक्र है, तूने नबी के रास्ते से मेरे उम्मत के घराने को जहन्नम से बचा लिया। आप कभी यहूदियों के बारे में सोचते थे, आज मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो हम अपने साथियों के बारे में बेचैन नहीं है, हम अपने दोस्तों के बारे में बेचैन नहीं है, हम अपनी पेड़ की औलाद के बारे में बेचैन नहीं है, हम अपने पड़ोसियों के बारे में बेचैन नहीं है। हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो? हम उस नबी के उम्मती है जो नबी जायबुल हुसन है, हमें भी हमेशा 24 घंटे जायबुल हुसन, हमें हमेशा 24 घंटे फिक्र के अंदर, हम उस नबी की फिक्र के नमूना बन के चलते, हमारी हम अपनी नाम को बढ़ा देते, अपनी इज्जत को गिरा देते। जिस नबी की इज्जत सारे नबियों से ज्यादा थी, उस नबी ने अपनी उम्मत के लिए, अपने दीन के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगाया। हमारी क्या इज्जत है, हमारी क्या हक है? हम अपने साथी से माफी मांग लेते, हम अपने साथी की बेवकूफी का तस्करा नहीं करते, उसकी कमी का तस्करा नहीं करते, उसकी कोताहियों का तस्करा नहीं करते। एक अल्लाह वाले मौलाना सैयदवर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा, सफर के बाद में उस मुल्क की कारगुजारी लिखी और उस मुल्क के बारे में लिखा कि यहाँ साथियों का ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है, इनमें ये कमी है, ये कमी है। मौलाना सैयदवर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर खुतूत का जवाब देने वाले थे, हजरत सैयदवर खान साहब ने खुद का जवाब नहीं दिया। फिर वो अल्लाह वाले हजरत मौलाना सैयदवर खान साहब के पास आए और आकर रूबरू कहा, अल्लाह अल्लाह वालों वो उस मुल्क का ये हाल है, यूं कहा कि मैं अपने मुसलमान भाई की शिकायत सुनने का आदी नहीं हूँ, अगर तुम्हें अपने साथी के लिए इतनी हमदर्दी है तो दो रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से कहो अल्लाह उसको बेवसूली से बचा देवे। मौलाना सैयदवर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक साथी की बेवसूली को नहीं सुना। हमारा हजरत इब्राहिम साहब फरमाते हैं हमारे शिकायतों का हल नहीं है, हमारा किसी साथी की शिकायत का हल नहीं है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, हम तो अपने साथी को अपने से बेहतर समझे, अपने साथी को अपने कीमती समझे, हमारे साथी की कुर्बानी पे हमारी नजर हो और हमें अपनी कोताहियों पर नजर हो। हम अपने साथी को सहूलत से चलाए और अपने आप को अजीमत से चलाए, हम अपनी जात को मुजाहदे में डाले, अपने साथियों को सहूलत से चलाए। ये मिजाज नबूवत है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, मिजाज नबूवत जो है ये कारण नबूवत है, कारण नबूवत मिजाज नबूवत से चलता है। जहाँ सहाबा के पेड़ पर एक पत्थर है, नबी के पेड़ पर दो पत्थर है। नबी ने कभी सहाबा को छोड़कर पेड़ भरकर खाया नहीं है। अपनी सहूलत को नहीं देखा, अपनी राहतों को नहीं देखा। मौलाना सैयदवर खान साहब का फर्ज फिर अल्लाह वालों के पास आया, यूं कहा उस खत के अल्फाज से हजरत मौलाना सैयदवर खान साहब ने लिखा था कि बरसा बरस की ठोकरे
तबलीग में खाने के बाद में ये फकीर इस दर्जे पर पहुंचा है, उस दर्जे पर पहुंचा है अपने साथियों की को, अपने साथियों की कोताही और कमी को अपने बड़ों पर जो है अपने बड़ों को नकल नहीं किया करते, इस काम से ऐसे काम करते थे अपने साथियों की कमी को अपने बड़ों तक पहुंचाने से काम का नुकसान होते हुए तो देखा है, आज तक काम का फायदा कभी नहीं देखा। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गो सब उस नबी से उम्मती है जिस नबी ने मेरे भाई बुजुर्गो अपने दुश्मनों को सीने से लगाया है, वो बहसी जिसने हजरत नबी हमजा रजी अल्लाह तआला को बेदर्दी के साथ से पेश किया है, अल्लाह के नबी उस बहसी के लिए अपनी चादर डाल रहे, अपनी मुबारक चादर बिछा रहे, अल्लाह के नबी ने अपने सीने को जो है आप बड़ा किया है, आप जो है आपका जर्म हुनैन वाले आपके पास आए जिन्होंने आपके सामने तलवारें उठाई थी, जो आपके जान के डर पे थे हुनैन वाले आ गए, अल्लाह के नबी इंतजार करते थे हुनैन वालों का, अल्लाह के नबी ने तकाजा कर दिया हुनैन वालों के माल को जो है ताइफ के अंदर जमा कर दिया और जो है अल्लाह के नबी ताइफ के तकाजे के लिए चले गए, हुनैन वाला वापस आए, अल्लाह के नबी से कहा हुजूर हम आए हैं हमारा माल वापस कर दो, हमारे गुलाम वापस कर दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदो मैं कितने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम आ जाते और माफी मांग लेते, दुश्मनों के लिए अल्लाह के नबी का सीना देखो मेरे भाई बुजुर्गो, अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं कितने दिन से इंतजार कर रहा था कि हुनैन वाले आए माफी मांगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हुनैन वालों से कहा कल फजर की नमाज में मस्जिद नबी में खड़े होकर ऐलान करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बताया, किसको रास्ता बताया जा रहा है, दुश्मनों को रास्ता बताया जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बताया, हुनैन वालों ने मस्जिद नबी में फजर की नमाज पर खड़े होकर कहा अल्लाह के नबी हमें माफ कर दो, अल्लाह के नबी हमें माफ कर दो, हम अपने कैदियों को छुड़ाने आए हैं, हमारे माल को लेने आए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल तकसीम हो गया, कैदी सारे गुलाम जो है सारे कबाई में तकसीम हो गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत के साथ ऐलान किया अल्लाह के नबी के और बनू मुत्तलिब के जितने कैदी है वो सारे आजाद है। जब उस सहाबा ने देखा नबी ने हुनैन वालों को आजाद कर दिया, हुनैन के कैदियों को आजाद कर दिया, इधर से एक कभी ना उठा हमने भी आजाद किया 6,000 कैदी से 6,000 कैदी मस्जिद नबी के मैदान में जमा हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अपने पास से जो है दिलाई अदा किए, खजाने अदा किए, अपने पास से चादरें अदा की, और हुनैन वालों ने देखा कि इतनी बड़ी सहावत अच्छे नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता, 6,500 कैदियों ने उसी मैदान में करना पड़ा, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। उंगली के इशारे पे कान के दो टुकड़े होते हुए देखकर ईमान में दाखिल नहीं हुए, नबी के अखलाक को देखकर ईमान में दाखिल हुए, सारे नबूवत हिजाब नबूवत से चलता है, इसलिए हम सब तौबा के लिए करवाऊंगा अल्लाह के वास्ते तौबा कर, ये जिंदगी का मेरे भाइयों को कोई भरोसा नहीं, हमने चंद महीने पहले दे दिया, हमारे साथ बैठा हुआ थोड़ा सा बीमार हुआ अस्पताल में गया वो वहां से खबर आ रही है या दुआएं हो रही है वो वेंटिलेटर पे है वो कोविड सेंटर में है, पता नहीं हमारा साथी जवान और ऐसा जो है जिसके जो है नाखून में जो है कोई बीमारी नहीं और चंद दिन की सर्दी में और दुनिया से रुखसत हो गया, हम जाए क्या, हम उसकी क्या जनाजे की नमाज पढ़े, हमने उसके आखिरी चेहरे को भी नहीं देखा, हम उसे कब्रिस्तान में भी जो है लेकर नहीं गए और चंद लोगों ने जाकर उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया, उसे पता नहीं था दिसंबर के इज्तिमा में आइंदा 2020 की साल में मेरी दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, दिसंबर के आने से पहले दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो लाखों का मजमा इस सब ने अपनी दुनिया को छोड़कर आखिरत का हवाला हो चुका है, अल्लाह ताला ने मुझे आपको मौका अता फरमाया है, अल्लाह के वास्ते तिजारत हम तरस कराए, पता नहीं दुनिया की किस गली में हमारी शाम हो जाएगी, हमें तुम्हें पता नहीं है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, अगर हमने जिंदगी का रूप बदल दिया और अपने दिलों के अंदर मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह की दात के यकीन में बिठा लिया, अपने दिलों के रूप को मान से हटाकर आमाल की तरफ कर लिया और दुनिया से हटाकर आमल की तरफ कर लिया, खुदा पापा की कसम एक एक उम्मती की नमाज में और एक एक उम्मती की दुआ में अल्लाह को ताकत और कुदरत अता फरमाएंगे, एक दुआओं से अल्लाह ताला इस उम्मत के कामों को बनाएंगे, हमारे मसाइल का हल अल्लाह ने काम में रखा है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के साथ दुआ होगी, खुदा कसम चंदी के मसाइल अल्लाह ताला के जो है वर्षों के मसाइल अल्लाह चंद दिनों के अंदर छाट देंगे, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो दुआ की ताकत नहीं पहचानी, नमाज की ताकत नहीं पहचानी, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह
जब जामे मस्जिद के अंदर दहली की मिम्बर पर खड़ा होकर कहा ये सब का फैलना हराम है और इसको हलाल समझ के करे और वाजिबुल कत्ल है। शाहजहां को गुस्सा आया, गुस्से की हालत में महल में गया, अपने पत्रों को गिराया और गुस्से की लड़क की आवाज में अपने साहिबीन से कहा उस जो है उस बदतमीज को पकड़ कर लाओ और उसको जो है आज फांसी की सजा दी जाएगी। अल्लाह की शांति शाहजहां के महल में आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह शाहजहां के मासूम बच्चे हैं और मुल्ला जुमन रहमतुल्लाह के शागिर्द है। बादशाह की औलाद है, दीन को कुरान को हासिल करने के लिए बादशाहों के महल से निकलकर अल्लाह वालों के झोंपड़े में जाया करती थी। बादशाहों के महलों के अंदर अल्लाह वाले आके कुरान की तालीम नहीं देते थे। वो शाहजहां के बेटे औरंगजेब जब सुना मेरे बच्चे ने मेरे बाप ने गुस्से में मेरे शेख और मेरे उस्ताद के सफर का ऐलान किया है इससे पहले के मौत का फैसला हो जाए, औरंगजेब जल्दी जल्दी दौड़े और मुल्ला जुमन के झोंपड़े में आए। आप अपने शागिर्दों को कुरान पढ़ा रहे थे, आकर कहा गया हजरत बताए क्या हुआ कि नहीं बेटे क्या हुआ कि जब आपने मस्जिद का ऐलान कर दिया मेरे बाप को बहुत गुस्सा आया और मेरे बाप की है जो गुलाम जो है आपकी जो ताकत है वो आपको पकड़ने के लिए आ रही है इससे पहले कि आपकी जान का खतरा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि हजरत के रूप को हो जाए, आप कहीं चले जाए जल्दी से अपने मकान छोड़े आप यहाँ से निकल जाए। इससे पहले के बादशाह के फरमान को सुनकर चेहरे पर कोई फल आता मेरे भाई दोस्तों सुन लो जो अल्लाह को पहचानता है जो दिलों में अल्लाह की बड़ाई को उठाता है जिसके सामने अल्लाह के बनाते हैं और जो दिल के रूप को अल्लाह की तरफ करना है खुदाए पाक के संग और दुनिया की ताकतों से मुतासिर नहीं हुआ करता और दुनिया के मसाइल से मुतासिर नहीं हुआ करता। मुल्ला हिम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने जरा सी आवाज में कहा बेटा अगर तेरे बाप को अपनी हुकूमत पे ना दे तो हम अपने मौला पे ना दे, तेरे बाप को अपनी हुकूमत पे ना दे तो हमको अपने मौला पे ना दे और तेरा बाप अपनी हुकूमत की ताकत से गुजराता है तो हमको भी हमारे नबी हथियार अदा फरमाए ताकत अदा फरमाए। यूं फरमाकर अपने शागिर्दों से कहा हमारे हथियार लाओ, शागिर्द दौड़े जैसे उस्ताद से शागिर्द है जल्दी से मुसल्ला लाए वुज़ू का लोटा लाए विश्वास लाए और आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह देखा यह अल्लाह का बंदा अभी वुज़ू करेगा अल्लाह के सामने दो रकात नमाज पढ़ेगा इसके हाथ अल्लाह की बारगाह में फैलेंगे इससे पहले कि हमारी नस्लें बर्बाद हो। औरंगजेब भागते हुए शाहजहां के जहर महल में आए, अब्बास ने कहा भाई आपको पता ही क्या हुआ कि नहीं बेटे क्या हुआ जब आपने मेरे उस्ताद की पकड़ का ऐलान किया फिर अल्लाह वाले के जम्बात जाकर आपकी बात को नकल कर दिया कि आप जल्दी से हमसे रवाना हो जाए आपकी जान का खतरा है तो अल्लाह वाला बचकर भागने के उसने तो लड़क क्यों आवाज से कहा तेरे बाप को अगर हुकूमत पर ना दे हमको अपने मोड़ा पर ना दे और तेरा बाप अपनी ताकत से इतराता है हमारे नबी को भी ताकत अदा फरमाइए। वो अल्लाह के बंदे ने वुज़ू का लोटा मंगाया है वो वुज़ू कर रहा है इससे पहले कि दुआ नमाज पढ़े और उसके हाथ आसमान के ऊपर उड़ जाए और अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआ कबूल हो जाए इससे पहले कि हमारी करामत तक की नस्लें बर्बाद हो जाए। अब्बा जान कुछ करो, शाहजहां तारीख से लिखा है कभी घर के अंदर बगैर चप्पल के नहीं चला कभी महल में बगैर जूतों के नहीं चला। शाहजहां जूते पहनने तक इंतजार में नहीं रहा बगैर जूतों के धंधे फिर भागा अपने महल से जाकर मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह के झोंपड़े में गया हजरत के कदमों में गिरा हजरत से माफी मांगी हजरत मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। मेरे भाई दोस्तों सुन लो ये मुसलमान कहां से आए बलियों की गुलामी में लग गया बलियों की गुलामी इससे नबियों वाला काम छोड़ा इससे नबियों वाला काम छोड़ा जिसे पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं आज उसकी गुलामी कर रहा है उनके लिए राह देखता है उनके लिए इंतजार कर रहा है उनके सामने हाथ जोड़ रहा है उनसे मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग आरंभ कर रहा है बेटा उसकी तारीफ कर रहा है खुदा पाक की कसम ये मुसलमान का सस्ता नहीं था। और आज इस वजह से आज दुनिया के दूसरी ममालिक में मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों हालात सबसे बदतर हो चुके हैं आंखों से देख रहा है उस मुल्क के हालात को मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों मुसलमान रोजा रहकर सरकारी दफ्तरों में खड़ा सरकारी दफ्तरों के सारे ऑफिसर मुसलमान है एक सच्चा बच्चा बुरा मुसलमान जिसने किसी जमाने में इस्लाम देखा कुलबा की बाबत क्या की खानकाओं में गया दावत की मेहनत में लगा ऐसा बुरा मुसलमान गर्मी में जो है वो रोजा रखकर जो है और दफ्तर में सरकारी दफ्तर में गया है जब घुटों से पानी नहीं पीता उनके आसपास के मुसलमान ऑफिसर बड़े ऑफिसर को फोन करते ये पानी नहीं पीता लगता इसे रोजा रखा है रमजान का महीना मुसलमान ऑफिसर आता और उनसे कहता कि पानी क्यों नहीं पीता अरे भाई की आंखें लगी शराब को लाया जाता शराब का गिलास उसे पिला करके उनके रोजे को धुला दिया जाता कि इस मुल्क में रोजा रखना खतरा जो है ये गुनाह है
मुसलमानों के मुल्क में मुसलमान के लिए रोजा रखना गुना, मुसलमानों के मुल्क में मुसलमानों के घर में पूरा करना गुना, मुसलमानों के मुल्क में अल्लाह का नाम लेना गुना। मेरे भाई दोस्तों सुनो, हम दुनिया के अंदर चल जाए हमारी क्या जरूरत है, हम तो माशाल्लाह पिंजार है, हम तो माशाल्लाह ऐसे है, हम तो इतने हज पड़े हैं और हम तो इतनी जमात देते हैं और हम तो इतनी सफावत करते हैं। मेरे भाई दोस्तों सुनो, उम्मत के ईमान के जनाजा निकल रहा है, उम्मत के शराब पर जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया है, एक हिस्सा बना लिया है, एक मुसलमान का जनाजा जमात का मौजूद हूं, एक मुसलमान के इंतकाल हो, मैं इसके लिए कफन ना हूं। अल्लाह ताला हमारे उलमा को जजाए खैर अता फरमाए। हिंदुस्तान का मुल्क मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो उलमा की, हाँ उलमा की मेहनतों के ऐसा सर गर्व है। तो मैं के बाद एक घर हर मस्जिद के अंदर कफन के लिए लिखा है, कफन के लिए फला भाई फला अल्लाह ताला जजाए खैर अता फरमाए। उस दिनों में मेरे भाई को पूरे मुल्क में कफन का तसव्वुर नहीं, तसव्वुर तसव्वुर नहीं, दो सफेद चादर में मुसलमान को कफन दिया जाता है, ये उस मुल्क में तस्वुर है। कहां जाएंगे उसका कफन आया, उसका बेटा कफन लेके आया, क्या है ये, उसका बेटा नया शर्ट लेके आया, नई पैंट लेके आया, टाई लेके आया, नए बूट लेके आया, अपने अपने मरे हुए बाप को उसने पैंट पहनाई, शर्ट पहनाया, टाई लगाई, बूट पहनाया, टीशर्ट किया, बेल्ट लगाया। और मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, ये मुसलमान को कफन देकर जो है इसको जब कब्रिस्तान में ले जाया गया, उसका बेटा जब कब्र के अंदर अपने बाप को उतार रहा है, तो जहां कब्र के अंदर बाप को उतारते उतारते मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो और चीजें जैसे माशाल्लाह हमारे यहाँ जो है वहां कभी जमजम का पानी डाला जाता है और अजमत के साथ में पता नहीं कि बाप की कब्र है, अजमत के साथ में देखी जाती है बच्चा अपने बाप की कब्र को उतरा है, उसने क्या लाओ दे दो, तो जो देने वालों ने क्या दिया, शराब की बड़ी बड़ी बोतलें दी और उसके बाप को कब्र में बोतलों के साथ दफन किया जा रहा है। अरे तेरे बाप को शराब की क्या जरूरत है, वो कह रहा मेरा बाप रोजाना बिस्तर में उठता था तो ये शराब की बोतल मांगता था, कब्र में उठेगा तो इसको शराब की जरूरत पड़ेगी। तो इधर उधर की बात कर बता के काम में क्यों रुक, ये उम्मत कहां रुक गई मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह को क्या जवाब देंगे, तभी जो उम्मत के हाथ में शराब की बोतल को लेकर कयामत का हाजिर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी ने अपनी उम्मत के लिए आज हमारे दोस्तों अल्लाह के नबी की उम्मत आज क्यों मगर करने का मौत के दुनिया में कैसे रही है, इसकी दुनिया रुकी तो कोई परवाह नहीं, इसकी आदत जुड़ गई, हजारों लाखों की तादाद में जान करने जा रहे होंगे, अपने नदी को क्या करोगे, अपने नदी को क्या करोगे, हम के कमर हमारे जिले लग जाए, हम तो इनके घर जाते हैं, जी उनका जी चलेगा, कुरान में जितने चार बजे की तस्वीर में कोई कुरान में कोई की तस्वीर है, पूरी जानवर की तस्वीर नबी का एक एक उपति हमारी जानों से ज्यादा कीमती है, हमारे बालों से ज्यादा कीमती है, अगर भाई यादव फरमाते थे हमारे जानों के कीमती होने ने दुनिया में दीन को होने से रोक दिया, क्या उम्मत को दीन मिलता, मुसलमानों को कुर्बानियों के बाद दीन मिला था, आज वो उम्मत दुनिया से ईमान पर छोड़ छोड़ आ रही है, अल्लाह के नबी भेजे थे जानवर से चूर है, हमारे साथी के साथ में आकर बुजुर्ग हमारे इनका खुलासा मकूब है, क्या बात है कुर्बानियों के बाद उम्मत को अनुमान मिला था, आज मैं देख रहा हूँ दुनिया से उम्मत अपने ईमान को छोड़ छोड़ के आ रही है। मेरे भाई बुजुर्गो हमें अपनी बीवी भी आ रही है, हमें अपने बच्चे भी आ रहे हैं, हमें अपनी दुकान भी आ रही है, हमें अपना कारोबार भी आ रहा है, हमें अपनी तजारत भी आ रही है, हमें अपना माल भी आ रहा है, अपनी जान भी आ रही है, अल्लाह के नबी की उम्मत लाखों की तादाद में जा रही है, इतना ही हुआ कब्रिस्तान से मुसलमान मैयत को दफन करके कब्रिस्तान के दरवाजे पर कुर्सियां लगा के टेबल लगा के बैठे हैं और शराब भी जा रही है, अरे मुसलमानों ये कौन सी शराब पी रहे हो, कहने लगे दम की शराब है, कब्रिस्तान के दरवाजे पर मुसलमान मैयत को दफन करके शराब पी रहे हैं, हमारे हम अल्लाह का क्या जवाब देंगे, ये कोई तारीख की बात नहीं है और ये कोई पुरानी बात नहीं है,
چند سال پہلے اس ملک میں یہ آ کے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے, یہ آ کے اپنے اپنے آنکھوں سے دیکھ کے میرے بھائی بتا رہے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی دوستوں کو, ہماری جماعت اس ملک سے واپس ہو رہی تھی. چار مہینے لگا کے جب ساتھی واپس ہوتے ہیں, اندر جذبات ہوتے ہیں, خوشیاں ہوتی ہے, ہمارے کسی ساتھی کے چہرے پر واپسی کی خوشی نہیں تھی. اے اللہ, اس ملک میں پہلی دفعہ تھی, بڑی مشکل سے ویزا ملا تھا. اب پتا نہیں ملک میں تیرے دین کی محنت کرنے والے کب آئیں گے اور کون رہے گا. سب تیرے نبی اٹھا جو ہوتے اب کہہ رہے میری دکان ہے, میرا دکان ہے, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے. نبی کی امت میں بھائی دوستوں کی منافق کی تعداد ہے. ہمارے نبیوں سے پوچھ لیں گے, تیرے پاس رسان تھے, تیرے پاس مدارس کا ماحول تھا, تیرے بچے مکاسی میں جاتے تھے, تیرے آس پاس میں خانقاہیں تھی, اور تیرے آس پاس میں دعوت کی مسجدیں تھیں, اور تیرے پاس میں جماعت رہتی تھی, اور تیرے بندوں نے تیرے پاس میں کئی مرتبہ تم سے حاضری لی تھی. لیکن تو اپنی دنیا کے لیے, اپنی دنیا کے لیے کبھی نبی کی امت کے لیے قربانی دینے تیار نہیں ہوا. میرے ہمارے دوستوں کو اپنے نبی کو کیا مول لے کے جا کر ہم پہنچے پاس کر دیں گے, اللہ کے نبی کو کیا مول دکھائیں گے. میرے بھائی دوست اللہ کے واسطے خدا کی قسم کے تمام اللہ اس کی حقیقتوں کو ہمیں عطا فرمائے. انشراح فرما دے انشرا, ایک ملک افریقہ کے ہمارا سفر ہو رہا تھا, وہاں کی شرح نے بتایا ایک جماعت چلے کی پہاڑوں کے راستے سے, پہاڑوں کے راستے سے جمع چلے. اللہ کام کی بصیرت عطا فرمائے. حضرت بھائی صاحب کی بات, جو کام کرے اور اللہ کی مدد کے بارے میں شک کرے وہ فاسق ہے. ختم اللہ کی مدد اتنی قریب ہے, اتنی قریب اللہ کا کام کرے قدر اٹھا ہے, خدا کے سب قدر اٹھا ہے. اللہ تعالیٰ برسوں کے مسائل کو حل کرنے تیار ہے, برسوں کے ہم اللہ سے سنا کر لیں, اللہ کے کام کو اپنا کام بنانے کی نیت کر لیں. یہ کام کو آج سے اللہ کے کام کو آج سے اپنا کام بناؤں گا, اسے پہلے درجے پہ رکھوں گا, اپنے دنیا کے کام کو دوسرے درجے پہ رکھوں گا. اللہ کے نبی کے تقاضے پہلے رہیں گے, میرا اور میرے گھر والوں کے تقاضے پیچھے رہیں گے. میں قیمتی نہیں, میرے گھر والے قیمتی نہیں, میری دکان قیمتی نہیں, میری تجارت قیمتی نہیں, اللہ کا دین قیمتی ہے. میری جان بھی بے قیمت, میرا مال بھی بے قیمت. میں جان کی ہر سانس کو اور مال کی ہر مائی کو اللہ کے دین پہ لگاؤں گا ان شاء اللہ. اس مرد میں جماعت چل رہی, پہاڑوں کے راستے جماعت چل رہی تھی, نیچے جو ہے بہت گہری کھائی, جماعت پیدل چل رہی تھی. اللہ کی شان کے ایک ساتھی کا پیر گرتا اور کھائی میں گرا, جن کو وہ اس آواز لگائی, ان کی چیخیں سن کر ساتھیوں کی ہچکیاں لگ گئی, ساتھی رونے لگے. اس نے نیچے سے آواز دیا, گرتا میں گرا نہیں ہوں, میں نے درخت کی داری پکڑ لی ہے, آپ میرے مشورہ کرو, مجھے باہر نکالنے کی کوشش کرو. ساتھیوں کی ہمت آ گئی, کیسے نکالے تھا, بہت گہرا اندر گرا, نظر بھی نہیں آتا, لیکن اس کی آواز آ رہی تھی. جیسے وہ چلاتا اور اپنے ساتھیوں کو پکارتا, ساتھیوں کی ہچکیاں رکھتی, ساتھی چیخ مار مار کے ہوتے. ہمارا ساتھی ہمارے ساتھ چل رہا تھا اتنے مہینوں سے, آج بول رہے ہماری آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں پہنچ گیا. ہم اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نکال نہیں پا رہے ہیں. اے اللہ, ہم اس کے شوہروں کو کیا جواب دیں گے. اس نے نیچے سے کہا, بھی صاحب اگر باہر نکالنے کی کوئی شکل نہیں بنتی تو مشورہ کرو. دین کی محنت کرتے کرتے سکرام نامی کہاں پہنچتا ہے, یہ کام ہوتا ہے. ورنہ میرے بھائی کو سن لو, موت اسی کی ہے جس پر زمانہ کرے افسوس, ورنہ یہ تو سبھی آتے دنیا میں بننے کے لیے. ہزاروں لاکھوں ہوتا ہے دنیا میں, ہزاروں لاکھوں آتے ہیں. جیسے جانوروں کے زنا آنے پر آسمان میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی, ایسے میرے بھائی دوستوں بزرگوں آج مسلمانوں کے لاکھوں کے کٹنے پر آسمانی دنیا کا کوئی نظام بدلتا نہیں. وہاں تو ایک صحابی شہید ہو رہا ہے, تاج محمد اللہ کا ہاتھ چھل گیا, جبریل نبی سے آ گئے, اللہ کے نبی کو کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے تاج محمد کے مکان میں پہنچے, چھوٹے سے کمرے میں تاج کا جنازہ رکھا ہے. حضور نے اپنے پیروں کو اپنی چادر کو جو ہے سمیٹتے ہوئے اندر تشریف لے گئے. صحابہ دیکھ کر حیران ہے, حضور کیا بات ہے کہ تاج کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں. حضور نے اپنے ہاتھوں سے گزر دیا اور کہا, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیسی ہے مرد مومن کی جو ہے یہ ناز, اور کیسی مرد مومن کی قبر ہے. حضور
हजूर सल्लल्लाहु ने अपने हाथों से कमर को खोदा है और एक एक कुल्हाड़ी मारते हुए अल्लाह के नबी सुभान अल्लाह पढ़े। सहाबा ने पूछा क्या बात है, अल्लाह के नबी सुभान अल्लाह फरमाया कि सहार के कब्र से मुश्क की खुशबू आ गई। इतने फरिश्ते के सहार के लिए जनाजे में शरीक है के सहार के चलने की जगह में इतने फरिश्ते जमीन पर उतरे हैं, अल्लाह का आज झुक चुका है। मेरे भाई दोस्तों, जब एक मुसलमान दुनिया से निस्बत खुदावंदी पर अपनी जान लगाता था, अल्लाह का हाथ छिल जाता था, आज हजारों दुनिया से जा रहा है आसमानी दुनिया में कोई हलचल नहीं मचती, क्या बात है कि आज मुसलमान ने अपनी जानों और मालों को बनाने वाली दुनिया में लगाते लगाते जान दिए, आसमान में कोई हलचल नहीं है। जिस दिन मुसलमान की जान और माल अल्लाह के दीन पर लटके लगेगी और दुनिया से बनेगा, खुदा की कसम आसमान के फरिश्ते जमीन का वो साथी अंदर से क्या है अंदिशा मशवरा करो, मुझे बाहर निकालने का मेरे लिए कुछ तय करो। हमने सामने साथियों से मशवरा किया क्या करना चाहिए, हमने सामने मशवरा किया कि भाई क्या करना चाहिए, साथी कह रहे निकालो। अल्लाह ने हमेशा के फिक्र बात करी कि भाई हमारे पास में कोई जमीन नहीं, रास्ता नहीं, सफल नहीं है। हम तो उसे कह देते हैं कि तू धर्म की तैयारी को छोड़ दे, अल्लाह के फैसले में राजी हो जा, तू शहादत का जाम पी ले, राय खुदा में जान देगा। हमें उम्मीद है सहाबा के साथ असर फरमाएंगे, अमीर साहब ने जोर से कहा उसे अल्लाह के फैसले में राजी हो जा और सबर कर ले, सहाबा के साथ तेरा भी इंशाअल्लाह हासिल होगा। जैसे अमीर साहब ने कहा यह साथ की चीखें लग गई। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, हमारा साथी मौत के मुंह में चला गया, उसने कहा अमीर साहब दवा लेना, मैं कलमा पढ़ता हूँ, कयामत से मेरे कलमे की दवाई से लेना, अशरफुल्लाह भाई उसने कलमा पढ़ते हुए अपनी आवाज को उसकी बंद हो गई। साहब जय साथी रोते रोते आपने अमीर साहब ने सबको तसल्ली दी और ऊपर के हिस्से में जहाँ मस्जिद थी वहां पर जाने लगे। जैसे मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचे तो देखा क्या देखते हैं कि दरवाजे पर हमारा साथी बैठा हुआ, अम्मा और पर की चीखें निकल गई। साथी को छोड़कर मुआवजा किया, अरे तू यहाँ कैसे आ गया, तुमने कहा कि अल्लाह के फैसले पर राजी हो जा, आपने बंद करनी करना पड़ा, अब मौत आएगी, जब मौत आएगी। इंतजार करते करते एक वक्त ऐसा आया कि किसी ताकत से मेरे पैर के नीचे जो है आप मुझे रोक दिया, अपने नीचे जाने के बजाय ऊपर आने लगा। ऊपर आते आते इतना आया कि जब वो फिरा तो मैंने हाथ खोली तो जो है पहाड़ की किनारी नजर आई, पीछे तो जब धक्का मारा तो मैं पहाड़ के ऊपर आया, पीछे मुड़कर देखा वो ताकत नजर नहीं आई, सामने मस्जिद का दरवाजा था। इंतजार किया मेरे साथी नहीं आया। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, अल्लाह के वास्ते इस काम की बसीरत को यकीन पढ़ना सिखाएंगे। ए अल्लाह, आज तक काम किया भूखे में रहे, भूखे में रहे, काम वाले तबलीग वाले काम वाले दावत वाले ये लोग समझते रहे, हमारा दिल इस काम के यकीन से खाली था। ऐसा माफी मांगते हैं, तुझसे इंतजार करते हैं, तेरे नबी के काम को तुम्हें खेल बनाना, तो किया काम अच्छा तो किया, मुसलमान ने किया पता नहीं क्या क्या के लिए किया, किसको अच्छा लगाने किया, किसको बुरा लगाने से बचने के लिए किया। एना आज तक पत्नियों क्यों किया, तू माफ कर दे, एना तू माफ कर दे, हम आज से तुझे राजी करने के लिए काम करेंगे और तुझे राजी करने के लिए कदम उठाएंगे, हमारी मां की हस्ताई को और जान की हस्ताक्ष को तेरे और तेरे नबी के काम के लिए लगेगी और दुनिया नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे तो सिर्फ आदर्श चाहेंगे, कोई हमें गाली दे, कोई हमें झूठा कहे, कोई हमें मुनाफिक कहे, कोई हमारे मशवरे पे राय न दे, कोई हमारी बात न पूछे, ऐसा हम तो तुझे राजी करने के लिए काम करेंगे। आज के बाद तेरे काम को हम सफल रखे करेंगे और अपनी दुनिया के काम को पीछे रखेंगे, जब तेरे काम का तकाजा आएगा अपनी दुनिया के काम को ठोकर मारेंगे, तेरे दिन के तकाजों को पूरा करेंगे। आज के बाद जान की हस्तान को, माल की हस्तानी को, जवानी की हस्तानत को, जिंदगी के सरमाए को ऐसा तेरे दिन पे लगाएंगे इंशाअल्लाह। मैं लगाने इंशाअल्लाह अपने घरों में बताना शुरू करें। मेरे भाई दोस्तों सुनो, खुश तस्वीर रहो जिसको अल्लाह तौफीक दे दे, जिससे अल्लाह खुश हो जाए, जिसको नबी का सलाम आ जाए, जिसकी आखिरत सवर जाए। मेरे भाई दोस्तों सुनो, जिसके मसाइल का हाल हो जाए, अल्लाह परेशानी से निजात दे दे, छोटे हिम्मत जगा दे, छोटे नसीबे को जगा दे, सहाबा के साथ फिर फरमा दे, अल्लाह ने नौ महीने को कहना फरमा है, खड़ों के निकालना शुरू करे इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह के हाथ में जाना तैयार खड़ों के बचा अल्लाह कबूल करता, आसान करता, ईमान में आबाद में जान में खाद इज्जत में आबरू में खूब करके देता करता।
कबूल करना, जिस तरीके को कबूल करना। हमारे साथ ने सीधे से चार महीने कर दो, अल्लाह की जवानी में बरकत दे, कबूल करे, अल्लाह इनको नेक और सारे मनाजे साफ करना है, आगे के दिन आदि का गुलाम साजे साफ करना, खड़ों के बताओ देखो वक्त अपनी दुनिया को रखना कबूल। तीसरा जवान हमारा जवान सा करा, अल्लाह पूरी जवान को अल्लाह कबूल क्यों ना कराओ, खड़े और खड़ो कयामत में इंशाल्लाह फिर देना नहीं पड़ेगा, अल्लाह आगे बुला लेंगे, अल्लाह के नबी आगे बुला लेंगे, मेरे दीन के लिए चलने वाले, अपने मसाइल को नहीं देखने वाले, मेरे दीन पर कुर्बान होने वाले लोग और खड़े हो जाओ और बोलते माशाल्लाह अल्लाह कबूल कर रहा है, पांचवा खड़ा होगा और बताओ, हमारे अवेली वाले बताओ, बकरना वाले बताओ, भाई वाले बताओ, खामा वाले बताओ, हाँ और हमारे जाफराबाद वाले बताओ, बहुत सारे हिंद में आ रही है, बताओ बताओ इंशाल्लाह खड़े हो जाओ, दिन में बाहर आगे खड़े हो जाओ, खुदा के सब मसाइल कहा लिखने हैं, अल्लाह ने इस काम में मसाइल कहा रखा है, एक हजार साल मेहनत के बाद जो माल जमानी होता वो माल अल्लाह तला ने इस काम पर मेहनत, इस काम पर मेहनत प्रदान देने में दिया, और मैं सर्दी के मौसम में अपने इलाज में गर्म बिस्तर में सोता रहूं और अल्लाह के नबी की उम्मत शराब और शबाब के साथ और चूहे और सूख के साथ और बिना और जहर दुनिया के गुनाहों के साथ वो हमेशा की जहन्नम में दाखिल हो जाए। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, ये मुसलमान की मेरे भाई दोस्तों के जज्बे नहीं थे, ईमानदारों के जज्बे थे, हमारी जिंदगी मिटाई है अल्लाह के नबी की उम्मत को मिटने नहीं दे। नियत करे मेरे भाई, हम अल्लाह के रास्ते पे जाएंगे इंशाल्लाह, और कौन कह रहा है घरों में बताओ, और कौन कह रहा है दिखाओ घरों में, आ रही है बात दिल में, एक तहरीक फरिश्ते की है, एक तहरीक शैतान की है, फरिश्ते की तहरीक इरादा कराना है, नियत करवाना है, जज्बा पैदा करवाना है, अंदर दाइया पैदा करवाना है, जी तो चाहता है खड़ा होना, शादी है लेकिन जी चाहता है खड़ा होना। हमारे मुफ्ती अलस्ता अल्लाह ताला इन्हें खूब जहरी को मालामाल करना है, अल्लाह इनकी जवानी में बरकत दे, इन्हें अल्लाह ताला इनकी नस्लों में औलादों में जिनके सच्चे काबिल होता है आदि को मुफ्ती पैदा करे, आपने कुरान पैदा करे, शादी की तारीख दो महीने के बाद तय थी, अल्लाह के रास्ते के तकाजे पर अपनी शादी को मौकूफ करके मौखर करके अल्लाह के रास्ते में चार महीने के लिए अल्लाह का बंदा जा रहा है। खुदाई का सब मेरे भाई बुजुर्गो, ये मिसाल मिसाल सहाबा के जवान अपनी शादियों को कुर्बान करके अल्लाह के रास्ते में जाते थे, हमारी शादियों की शादियां हो गई, बढ़ता बढ़त हो गए, अब मेरे भाई को इरादा कर ले इस महीने में से जिसने आज तक चार महीने नहीं लगाए या एक मरतबा लगा है और तीन साल हो गए वो तो नियत कर ले इंशाल्लाह मुझे जाना है इंशाल्लाह की किले के लिए। बताओ इसके लिए कौन कह रहा है ईमान में आमान में जान माल में इज्जत में आबरू में खूब बरकत का अल्लाह की जवानी को कबूल करना और बताओ और आ रही है दिल में आ रही है घबराओ मत अल्लाह काम लेंगे घबराओ मत अपने घर से कोई जा रहा नहीं है तो घरों के लिए काम इंशाल्लाह हमारे घर से करेंगे ऐसा नहीं घबराओ मत मोहम्मद से वफा माशाल्लाह भाई अल्लाह कबूल फरमा दान फरमाए ईमान में मान में इज्जत में आबरू में ईमान में आमाल में खूब खूब बरकत दे बहुत काम दे अल्लाह बहुत काम दे सारे मसाइल को अल्लाह ताला रहमत वाली बरकत वाली आफियत वाली हलाल विशेष बात ये हुसूल आरजू है आरजू को हासिल करने का रास्ता है बेहतरीन जरिए मार्च अल्लाह से रोजी हासिल करने का बेहतरीन जरिया दिन की मेहनत बहुत सारे दिन में आ रहे हैं घबराओ मत दिखा दो ये वक्त है कबूलियत का राय खुदा की मेहमान है उलमाए किराम है हाफिज़े कुरान है बुढ़े मुसलमान है दीन की मेहनत करते करते बुढ़ापे को बीमारियों को खोते हुए हमारे पुराने साथी है पता नहीं किसकी कुर्बानी किसका रोना किसका हाथ खाना आज अल्लाह को पसंद आ जाए हमारी छोटी किस्मत जाग जाएगी हमारी बिगड़ी बन जाएगी याद रखना और कौन इच्छा और कौन कहता है हमारे साथियों के दिल में आ रही है
खड़ों के खास होता आड़ी कहा हमारे डॉक्टर वाले तो तीन दिन से चिल्ला किया और तीन दिन से चार महीने भी कर देते ये भी एक हिसाब है आज चार महीने लगाएंगे कल को जान लेना इलाके में पढ़ेंगे अल्लाह के नबी की उम्मत को कलमा सिखाएंगे नमाज सिखाएंगे दीन सिखाएंगे जिंदगी बाकी रहे वापस आएंगे मुसलमानों का आमदनी कब्रस्तान नहीं था मक्का और मदीना में ये वो अगर सिद्दीक के कबीले का अल्लाह डबल मंगल का हमारा तीन दिन गया था चिल्ला किया आज चिल्ले से सुबह वापिस हो रहे थे हमने कहा कि जोर में शरीक हो जाओ अल्लाह ताला ने चार महीने के लिए खड़ा कर दिया अल्लाह इसको ले दिया कबूल करना मदद करना ईमान में अमान में जान अमान में खूब कर दिया हमारे साहिल चिल्ले के लिए आया था बड़े मसाई के साथ चिल्ले में निकला है मोहम्मद अल्लाह कबूल करना मदद करना हाथ करना ईमान में आमान में जानवान में खूब रखकर ये डूंगर के साथी है मुझे अपने सत्ता के बेटे है अल्लाह की नस्लों को कबूल करना है उलमा की औलाद और उलमा की नस्लें इसी मिसाल को उनसे ये है उलमा की शान अल्लाह का दीन मिलता हो हमारे जवान है अल्लाह देखा काम आए मरबनियों की तरह नोटों की गड्ढिया जिनसे जिनसे मर गए तो अल्लाह माफ करे कहीं ऐसा ना हो मौत पर माल माल के तुम मरने की नौबत रहा है ईमान के सकाले अल्लाह का दीन मिलता है अल्लाह हमारे साहिल को कबूल करना ईमान में आमान में जान अमान में इज्जत में आबू में खूब बैठ सकते इससे चिल्ले से चार महीने की और बताओ और आ रही है जितने बात और जो चार है हमारे भीम भाई के भी जितने तो आई गई बहुत कीमती आदमी शादी लगे जिस दिन कितने दिन पहले हमें ऐसा लगा कि हमें तो हमारे बाप बात करना कबूल करना दान करना ईमान के आवाज जान मार के खूब करके तक आप क्या कहना नहीं पाए अल्लाह कबूल करना अल्लाह कबूल करना अल्लाह की जान में माल में इज्जत में आबरू में ईमान में आमान में खूब करके तक आप शौकी भी कितनी रात हो गई शौकीन जाफराबाद को जमना था तो कुर्बानी तो आनी पड़े अल्लाह कबूल करना मदद करना शान करना शौकीन का भाई अशफाक का भाई शौकीन अल्लाह कबूल करना मदद करना ईमान में आमान में जान माल में करके बचाना अल्लाह कबूल करना अल्लाह कबूल करना अल्लाह कबूल करना अल्लाह के हाफिजों की उम्र में बरकत अता करना है अल्लाह दुनिया में कुरान को जिंदा करने का आज की रात फैसला किए ऐसा लगता है दुनिया में कुरान जिंदा होगा जब आगे में दीन निकलेंगे आदमी में कुरान निकलेंगे फिर अल्लाह का सलाम है कि यू मेरे भाई मुसलमान के मुल्क में कुरान का पढ़ा जाए इससे बड़े कयामत को और सही चला कुरान का रखना बुरा हो आठ साल की कैद हो जिसके घर में कुरान का पढ़ा जाए इससे बड़े कयामत क्या होगी और बता इशारा बहुत करोगे जीवन आगे शादी को मत देखो कारोबार को मत देखो और बताओ मैं मुस्तफा बना हुआ नहीं नवाज है नवाज माशा अल्लाह कबूल करना और मुस्तकबिल अमेरिका बहुत बुलंद है आप हृदय को हमारा अब्दुल गफ्फार भाई फरमा रहे अल्लाह इसकी जान में माल में इज्जत में आबरू में ईमान में आमान में बहुत बहुत बरकत अता फरमा और बहुत बहुत इज्जतदार है बहुत इज्जतदार और सोने पर सुहा हमारी हमारी जमात कैसी हो जाएगी पुराने पुराने लोग हमारे आप जिन्होंने पुराने जमाने में चने खा के तबलीग की है पाके करके तबलीग की है आज हम लोग इफ्तारी कर रहे हैं हमारे पुरानों के रोजों की बरकत है हमारे पुरानों के पापों की बरकत है जो आज मुदस्तर काम से चिकन बिरयानी खा रहे हैं ये हमारे हम लोग की कुर्बानियां हैं अल्लाह इनके लोग बरकत काम करते हैं और बताओ भाई इंशाल्लाह आर के बाद दिन आ रही बहुत रहमत की निगाह है अल्लाह की अमरीली की तरफ
हमारे साथी ने हाथ देखा अभी चंद रोज पहले अमरेली में बारिश गिर रही है, बारिश अभी पूछी तो बताया कि अमरेली में रहमत की बारिश उतरने वाली है, अल्लाह की यूं भी रहमत बरसे ही अमरेली वालों पर, बशारते हैं अमरेली वालों के लिए, बारिश देखी हमने आपकी बस्ती में गिर रही, अल्लाह रहमतों की बारिश बरसा रहे हैं, और ये वक्त है अपनी जिंदगी के सोते नतीजे को जगाने का, खुदा के साथ खड़े हो बहुत कब तक जो है हम हमको कहना पड़ेगा खड़े करने के लिए, कब तक अपनी तस्वीर खुद नहीं करेंगे, कब तक नबी की उम्मत के हालात देख करेंगे, अब कौन सा जमाना बाकी रहा है, अब कौन सा हमें इंतजार है, कौन सा इंतजार, मुल्कों में नबी की उम्मत के लिए बेटा बहुत देर से आए, हम लोग दुनिया की तरक्की आप सब मुल्कों में चले, लेकिन अमेरिका में चल रहे थे मुसलमान को तलाश करने के लिए 3-3 दिन जाते थे, -15 डिग्री में टेम्परेचर है, बर्फ गिर रहा था, चार दो बगीचे में नमाज पढ़ के ईशा की नमाज के बाद 1.5-2 घंटा गर्द करके मुसलमान नहीं मिला, मालूम होकर ऑफिस के कमरे पे जा रहे थे, पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज तेज, यहाँ तक की आवाज बढ़ते बढ़ते हमारे पास आके फिर गई, हमने देखा कि कोर्ट के अंदर एक वहां का चिलियन पूछ रहा है तू मुसलमान कहां, कहां से आया, मेरा इंडिया, इंडिया से आया, मेरे घर से सकता है तू यही चाहता, हाँ बिल्कुल सही बोलता, और देखो अल्लाह के दिन की मेहनत पर चंद दिन में हमारे साथी को अल्लाह ने शरीर से निकाल दिया, कोई रहमत नहीं था हमारे पास, कोई दर्शन नहीं था, अल्लाह जब काम लेने पर आते हैं अब अल्लाह पैदा करते हैं, अहलियत अल्लाह देते हैं, सलाहियत अल्लाह देते हैं, जानवर का समय अल्लाह देते हैं, मौसमों से बचने की ताकत अल्लाह देते हैं, -15 डिग्री में अल्लाह की कसम अल्लाह के घर में बैठ करके काम, एक साथी को भी सर्दी और खांसी हुई, एक साथी को भी अल्लाह ताला की मदद की, आम ठंडी होती है ऐसी ठंडी लगती थी, बस घर से घर गए, कमरे के अंदर कमरे के अंदर गए, उसकी बुढ़ी माँ आपके ऊपर देख रही थी, जैसे उसने कहा बच्चे ने माँ मुसलमान, उसने जो अपनी रिवॉल्विंग चेयर फिराई और देखा जैसे ही हम लोगों के चेहरे को उसकी माँ के आंखों से दारों का तर आंसू बहना शुरू हो गए, 75 साल की बुढ़िया रोते हुए कहने लगी बेटा तुम्हें आने में बहुत देर लगी, 16 साल पहले तेरे जैसे मुसलमान आए थे, उसने अपने कोर्ट से तस्वीर निकाली और दिखाकर कहा कि बेटा ये तस्वीर देखकर वो गया था तेरे जैसा जवान, उस पर मैं लाई भाई अल्लाह मोहम्मद बढ़ती हूँ, उससे आगे मैं कुछ नहीं जानती, हम फलस्तीन के अरब है, हम दुनिया के लिए आए थे, हमारे बाप ने इधर शादी कर ली, हम खुद की बेटियां थी, हम गए इधर उधर हो गए, हमारे बच्चे आज नेहरू हो गए, 19 साल मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ, कोई से सम्मान देने वाला धमकाने वाला नहीं था, ईसाइयों ने लेकर उसके ईसाइयों के कब्रस्तान में दफन कर दिया, बेटा कोई उसकी जनाजे की नमाज पढ़ने वाला नहीं था, यकीनन गह पर एकार मारा बुरा है और ना काफले काफले मुझी है, ये मजमा नियत करके जा रहा है, हम काम कहेंगे इंशाअल्लाह, हमें काम पर कहना नहीं पड़ेगा, मेरे भाई 100 साल को होने के सभी में याद रखना, अल्लाह वो भी हिदायत के हमारे चलाए, कौमें दुनिया की कौमें आएगी खुदा की कसम पूरी जान और पूरा माल लेके आएगी, इसलिए वक्त दूर नहीं है फैसलों का, अल्लाह के वास्ते ये मजलिस अल्लाह ताला भाई मरतबा अपनी जिंदगी के रुख को बदलने के लिए मजबूत है, इसलिए ये मजमा तो हमारा यहाँ हम सबके दिल से दो मदद के जाए, ए अल्लाह आज तक जो हो चुका ए अल्लाह तो हमें माफ करवा दे, आज के बाद इस काम को अपना काम बना के करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इस मजमे में जिसके अब तक 4 महीने नहीं लगे, इस मजमे में जिसके अब तक 4 महीने नहीं लगे वो खड़े होकर बताए इंशाअल्लाह मैं 4 महीने जाऊंगा, यहाँ से घर जाऊंगा, मशवरा करूंगा, दुआ मांगूंगा, सदका दूंगा, अल्लाह तौफीक दे इसी जमात के साथ जाऊंगा, नहीं हो सका तो जल्द से जल्द जाऊंगा, खड़े होकर बताओ इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करो, खड़े हो जाओ अल्लाह कबूल करो, और खड़े हो जाओ जिसके अब तक 4 महीने नहीं लगे, बोलो जाओ अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा, सलीम माशाल्लाह हमारे जारी भाई जी, ओह माशाल्लाह, तो देवा अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल जी।
जी बेटा कभी पढ़िए अल्लाह पूरी तरह हमसे जी बेटा एजाज अल्लाह कबूल करना मदद करना ये माशाल्लाह अल्लाह इनको कबूल करे। जवानों को बहुत प्यारे जवान आपके अमरेली के देख के रश कर और बताओ और बहुत सारों के चार महीने बाकी है या नियत करो हमारी وكريمنا ومولانا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اے اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے حوالے اے اللہ زندگی نفسوں کے حوالے کر دیے اپنے شیطان نے ہمارے دل کا رتبہ بنا لیا مولا زندگی نفسیات کے ساتھ گزارتے گزارتے زمانہ ہو گیا سب کو شیطان کے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں ہماری آنکھیں اپنی ہو گئی ہمارے کان دیر ہو گئے ہمارے دل پر ایسا گھومنے لگ گیا تارا لگ گیا خیر کی بات ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی اوپر کے گندگی کے حالات ہمارے دل کو نرم نہیں کرتے ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہمارے دل پتھر ہو گئے ایسی بہتی ہماری اوپر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی اس اوپر کے احوال پر زمین دیتے ہو گئے کبھی سبھی سبوں سے ضرور ہے امت کے لیے پیٹ پہ پتھر مارتے گئے جس نبی نے 23 سال ہم سہارے تھے اپنی شریف بچوں کی تلاش کو برداشت کیا تھا اپنے معصوم لوگوں کی شراکت کو پسند کیا تھا اے اللہ امت اپنے نبی کے نام سے بے جان ہو گئے اپنے نبی کے نام کو بھی جانتی اے اللہ اس سے بڑی ہوتے کی کیا ہوگی اے اللہ یہ ایسا ہمارا قصور ہے ابھی ایسا اس کے قصوروار ہے ابھی اس کے مجرم ہے ہم سے بھی مانتے ہیں والا پورے گھر سے ہاتھ چھوڑ کر ہم سے واپس مانگتے ہیں ہم پیاز سے تیار ہے ہم کھانا کھانے تیار ہے بولا ہم سے سلا کر کے آئے ہیں ہم سے واپس مانگ کے آئے ہیں آج تک کی ساری دلی والے رفتوں کو معاف کر دے سارے گناہوں کو معاف کر دے اتنے دل کے تقاضے دعوت کے مدارس کے تعلیم کے خانقاہوں کے خدمت کے اللہ پیٹ پھیر کے چلے گئے تیرے دل کو پیٹ دکھا دی تیرے کبھی کو پیٹ دکھا دی تیری ذات کو پیٹ دکھا دی بدر دنیا کی تمنگاؤں نے ہمیں اس قابل بنا دیا ایسا کبھی ہم سے ایسا لگائی میں تو کبھی نہیں کہ ہاں میں نے کیا کیا ہے پتا نہیں دنیا کی کس گلی میں شاہ ہونے والی ہے میرا کمر مسجد سے آ چکا ہے میرا کمر تالاب سے آ چکا ہے میرا کمر سفا کے گھر آ چکا ہے میرے اللہ پتا نہیں کون سی رات آ گیا تم سے بھی پہنچتے بولا کبھی چرچا سفر ہونے سے پہلے معاف کرتے پہلا معاف کرتے کمر کے ساتھ پر پچھڑوں کی کار کو برداشت نہیں کرتا پہلا چھوٹا سا سانپ دیکھ کے ڈر لگتا پہلا کمر کے اندر کا فرق کیا ہوتا ہمارے دور ہمارے یار ہمارے ساتھی ہمیں کمر کے حوالے چھوڑ کے چلے جائیں گے
वो उनका नकीर सवाल पूछे थे, हमारा दिल बहुत से खाली है, हमारी जिंदगी इस्लाम की तालीम से खाली है, हमने तेरे नबी के दीन को पीठ दिखाई है, कहीं ऐसा ना हो तेरे नबी कमर से चेहरा फिरा ले। अल्लाह अगर तेरे नबी ने कमर से चेहरा फिरा लिया हमसे ज्यादा प्रभाव कोई नहीं होगा। अल्लाह तुझसे पीठ मांगते हैं, तुझे यहां तक पहुंचाना है, तू ही यहां तक लाना है, जब तक देखना तक लाया आखिर तक देखने की तुझे सौंप नहीं थी, आंख उठाने की तुझे सौंप नहीं थी, आंख उठाने की तुझे सौंप नहीं थी, आगे कहने की सौंप नहीं थी, इस मंजिल से मौत चला देख सकता है, उल्मा रब्बानी इस मंजिल से है, हाफिज कुरान इस मंजिल से है, दीन की मेहनत करने वाले हमारे पूरे अभिमान साथी इस मंदिर से हाथ उठा के आमीन कह रहे हैं, वो कहते ही रो रहे कि आप से रो रहे तो जवाब रास्ते के मेहमान ऐसा इस मंदिर से है, ऐसा तुझे तेरे क्रम का वास्ता, तुझे तेरे राम का वास्ता, तुझे तेरे उलूम शाह रानी पर कदे का वास्ता देते हैं, आज तक दीन की जो नाकदरी की माफ कर दे, बेफिक्री की माफ कर दे, समाजों को पीठ दिखाई माफ कर दे, अपने काम को अल्लाह तेरे अपने काम को हमें अपना काम बनाने की तौफीक अता, तेरे काम को अपना काम समझने की तौफीक अता, तेरे नबी का काम पहले बीवी का काम बांटने, बच्चों का काम बांटने, रिश्तेदारों का काम बांटने, ऐसा बनियों की मीटिंग बांट दे, इजारतों की मीटिंग बांट दे, पहले तेरे नबी का काम भारतीय दुनिया के काम को जस्ता और वो हौसला देता होगा, इस दिन पर काट के अल्फाज को कबूल पर पाई को कबूल पर जवानी की अल्फाज को कबूल पर पाएगा, दुनिया कमाते कमाते जवानी लग गई, बुढ़ापा बीमारियों के साथ आएगा, चाहने के बाद भी तेरे दिन की मेहनत नहीं कर सकते, ऐसा ये जवानी को अपने दिन के लिए कबूल पर पाएगा, ये जवानी को तेरे दिन के लिए कबूल पर पाएगा, तेरे नबी की उम्मत जवानी आपको एक अपने दिन चाहिए बोला, उम्मत के अंदर दीन के पिछले का जो ऐसा हाल है उसका सब हमें साफ फरमा दे, तेरे नबी को यही समझना, तेरे नबी के सीने की ऐसा कड़ब और फिकर और नब और दर्द के ऐसा करोड़ों हिस्सा हमें साफ फरमा दे, करोड़ों हिस्सा साफ फरमा दे, दिन में उम्मत के लिए झगड़ा, दिन में उम्मत को अपना हाल लगाना और दिन में ऐसा हिस्सा को कुर्बान करके उम्मत के लिए हंसू बहाने की तौफीक अता फरमाना, रात में उम्मत के लिए हंसू बहाने की तौफीक अता फरमाना, हाथ उठा के उम्मत के लिए बांटने की तौफीक अता फरमाना, अल्लाह अब तो जिए तो उम्मत के लिए जिए और मरे तो उम्मत के लिए मरे, काम करते करते अल्लाह तेरी और तेरे नबी की मोहब्बत दिलों में जोश मार रही है, जोश अल्लाह अल्लाह तेरे नबी की उम्मत को चमकाने के जज्बे हो, अपने मिटाने के जज्बे हो, आसमानी दुनिया के फरिश्ते अल्लाह जिस पर सलाम कर रहे हो, अल्लाह जन्नत ऐसा सजाई जा रही हो, अल्लाह जन्नत के फरिश्ते नबी के उतारने की तैयारी कर रहे हो, हमारी जिंदगियों पर हजारों को अल्लाह हिदायत और कलमा मिल रहा हो और हमारी मौत पर लाखों को अल्लाह तौबा की तौफीक मिल रही हो, तेरे नबी के दयाल में हो, जुमा का दिन हो, मस्जिद नबी में हो, सलाम तस्बीह में हो, सजदे की हालत में तेरे नबी को हमारी हाजिरी पसंद हो, तेरे नबी हमारे आमद को कबूल फरमा रहे हो, हमें तेरे नबी की ज्यारत हो रही हो, तेरे नबी हमारे सलाम का जवाब दे रहे हो और तेरे नबी हमारे जन्नत के लिए शिफात कर रहे हो, ऐसी हमारे हमारी परेशानी को दूर करना, हमारी परेशानी को दूर करना, किन चीज का परेशानी को दूर जाता है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह की सेवाई उम्मत की परेशानियां उम्मत ऐसा है कि रुकने के लिए तरफ गई, एक एक घूम पाने के लिए तरफ गई, उम्मत के पास सब छुपाने की छत गई, अल्लाह उम्मत का बोझ दुनिया की तरफ नामा को रखती तालीम में पहला सारे सभी एक हो गए, सारा वास्तविक एक हो गया, उम्मत अकेली हो गई, एक जानवर सुबह होता है कौन
जाती है, ये डर करता है, लोग आवाज उठाने वाले मिलते हैं, हजारों लाखों कट रहे हैं, कोई तरह नबी की ऊपर की तरफ से आवाज उठाने वाला इतनी देर सहारा ऊपर पहले कभी नहीं होता, उनसे ठीक पाते हैं ना मुल्क चाहिए, ना मुल्क चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना कुर्सियां चाहिए, इस ऊपर तो सिर्फ तेरे सहारे की जरूरत है। ए अल्लाह, ए बेसहारों के सहारे आका, ए बेहारों के मददगार, ए उम्मीदों की आखिरी पुकार, तू ही बाबा, तू ही पंजा, तुझसे उम्मीदें लगाई है, तेरी ए जहर की निगाह उम्मत कर मेरा पार कर सकती है। ए अल्लाह, शफकत का हाथ मिला दे, ऊपर पर अपना शफकत का हाथ रख दे। पहले ऊपर किसी थी नबी आकर वाला देते थे, ऊपर पहला गंभीर रसी थी नबी के पास आकर अपना दुख सुनाती थी। नबी गए, सहाबा गए, औलिया गए, ख्वाजा मान गए, हमारे इजाज साहब गए, हिंदू साहब गए, नाम साहब गए, जुबेर साहब गए, अहला अमराज साहब गए, अहला और इस बीमारी में कितने मेरे गए को मुखलिस करते मिले, हमारी छत हो गई, हमारे गम में रोने वाले तेरी आंखों से रहमत में चले गए, ऊपर के गम में रोने वाले तेरी आंखों से रहमत में आ गए, जितने नजर आते हैं आंखों के सामने वो सब ऊपर से उठाने वाले नजर आते हैं, ऊपर को धना देने वाले नजर आते हैं। ए अल्लाह, तुझे तेरे धर्म का वास्ता है, हम तुझसे तेरा अमल नहीं जाते, तू अल्लाह ऊपर के अमाल को बच दे, अल्लाह अपने नबी की आंखों को दे दे, हम उस नबी की आंखों का वास्ता देते हैं, अपने यकीन नबी की यकीन ऊपर पर धर्म फरमा दे, धर्म फरमा दे, अपना आफियत का मामला कर दे, दर गुजर और सहूलत का मामला कर दे, हिदायत और बख्शीश का मामला कर दे, अपने दीन की रहने की समझ दे दे, हर गली को मदीने का नक्शा बना दे, हर मर्द ऊपर की इमारत फरमा दे, हिंदुस्तान की गलियों को, गुजरात की गलियों को, अबरेली की गलियों को मदीने का नमूना बना दे, एक एक ईमान वाले को दीन की मेहनत की समझदार बनाकर अपनी जानवर दीन की मेहनत में लगाने वाला बना दे, एक एक बाशिंदे को, बिरादरों वतन को, वतनी भाइयों को, हिंदुस्तान की खौफों को, बच्चे बच्चे को ईमान का बनाकर जान तक की आग से बचा ले, फिर ईमान से है हमारे जानवर को नबी और बहाने के तौर पर कबूल करना, हमारे मदारी सरकारी मकानों को कबूल करना, हमारे मराजिम को कबूल करना, हमारे मानकाओं को कबूल करना, हिफाजत करना, दिन दुनिया राष्ट्र की तरक्की अदा करना, सारी जरूरत का गैर से तकबूल करना, उनका रखना अफबानी की मसाजी मदारी मकानों की खानकाओं की मराजिम की जिनके लिए दुकानों की काम की काम के करने वालों की हाजिर शरीफे की पूरी उम्मत मुसलमान की पूरी पूरी हिफाजत करना, तेरे बच्चों ने तेरे भरोसे पर चढ़ा तेरे रास्ते में निकलने के नाम दिखाए हैं, तू ही जानता है, तू ही जानता है, एक दिन भी नहीं निकल, एक दिन भी नहीं निकल, तेरे घर में तेरे भरों से पकड़े हुए हैं, ए अल्लाह, तू ही का निकल आसान करना, पहला आसान इनकी मदद पर पहुंचे, इनकी मदद पर पा दे, इनकी रुकावटों में सहूलियत पैदा करता दे, आफियत अदा करता दे, आफियत अदा करता दे, ऐसा इनके निकलने में ऐसा ऐसा इनकी भरपूर मदद करता है, मैं भी मदद करता, कर्जों का दाम बता दे, बीमारियों को छुपा दाम बता दे, इनकी बीमार औरतों को छुपा दे दे, इनके बीमार बच्चों को छुपा दे दे, इनके बीमार माँ बाप को छुपा दे दे, इनके रहना सबके कारोबार को गर्म कर दे, इनके कर्जों से निजात दे दे, इनके सफर का साथी बनता, इनके पीछे इनके घर वालों का खलीफा बनता, इनके पीछे इनके घर वालों का खलीफा बनता, ये तुझे सहाबा की मदद पर पाई, ऐसे अल्लाह अपने दीवारों की मदद फरमा दे, जिन्होंने अल्लाह हमारा साथ दिया है, हमारी बात पर नस्तेज किया है, तेरे भरोसे पे खड़े हुए हैं, इन्होंने खिदमत भी की, इन्होंने नुसरत भी की, तेरे घर का हम शहादत देते हैं, ऐ अल्लाह इन्होंने नुसरत का हाथ अदा किया है, अमरेली के एक एक मुसलमान को कबूल फरमा दे, इस मजरे के एक एक इंसान को कबूल फरमा दे, किसी एक को भी महफूज फरमा, अजकार मदीना के साथ इनका हासिल फरमा दे, और मदीने वाले नदी के पीछे पीछे जन्नत को फिर अदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, शाम होने आ गई, ऐसा शाम होने आ गई, ऐसा आपको हमारी अरज को सुन ले बोला, रात के सवारी को ऐसा रद्दी किया करते, रात के भिखारी को रद्दी किया करते, ऐसा हम रात के सवारी, रात के भिखारी खाने के लिए मेरे घर में नहीं आए, हम तुझसे भीख मांगता है, तू ही आता है हम सवारी है, तू ही आता है हम भिखारी है, हमारी खाली छोड़ियों में पत्थर डाल दे, हमारी खाली छोड़ियों में बाढ़ डाल दे, हमारी खाली छोड़ियों में सीखने आकरण डाल दे, ऊपर का दर्द डाल दे, अपने और अपने नदी की सच्ची भाव पर डाल दे,
डाल दे, अल्लाह मुनाजात की लज्जत डाल दे, दुआओं की लज्जत डाल दे, सजदों की लज्जत डाल दे, अपना बराबर अपने दीन का काम ले, अपना बराबर अपने दीन का काम ले ले, अपना बराबर अपने दीन का काम ले ले। अल्लाह अब भी तुम्हें उम्मत की मदद लगी, अब भी तुम्हें उम्मत की मदद लगी। अल्लाह ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुनाजात में काम करते थे, बुत परस्त अल्लाह ये ताना देंगे, अल्लाह अगर तुम्हें हक परस्तों की दिलजोई लगी, हक परस्तों की तुम्हें दिलजोई लगी, दुनिया के बुत परस्त ताना देंगे, मुसलमानों का होगा कोई नहीं। अल्लाह हम उस खाजा की मुनाजात का तुझे वास्ता देते हैं, अपने यतीम सभी की उम्मत की मदद पर भर, आपके मदद को आजाद ने खोला, हम तेरी मदद का इंतजार करते हैं। हमारे पास मदद के आमाल नहीं है, हमें बगैर इस्तेदार के मदद पर मांगे, तू करीब है, करीब अपनी शान से मदद करता है। अल्लाह बगैर इस्तेदार के पूरी उम्मत की मदद पर मांगे, दीन के चमकने की सभी दुकान से कायम करवा दे, ये बीमारी जमीन से उठा ले, सारे इंसानों को बीमारी से निजात दे दे, ये बीमारी के जरिए ईमान अता फरमा दे, सारे मुसलमानों को गुलामी को सीखे, अमर से लेकर जन्नत के फिरदौस से दाखिल होने तक की तमाम हाजतें जरूरतें तू ही पूरी करने वाला है, तेरी इज्जत की जरूरत तूने ही पूरी की है, अल्लाह के अलावा किसी ने पूरी नहीं की। अल्लाह तू अपने मदद से अपने गर्व से हमारी जरूरतों को पूरा फरमा दे, हमें इन को कबूल करना, पूरे जिले को कबूल करना, पूरे कारोबार को कबूल करना, पूरे गुजरात को कबूल करना, उर्दू की रहमतों को नाजिल करना, यहाँ के आवाम को कबूल करना, यहाँ के उलमा को कबूल करना, यहाँ के आइमा को कबूल करना, यहाँ के पुरानों को कबूल करना, यहाँ के मेरा को कबूल करना, यहाँ के बुरा को कबूल करना, यहाँ के जवानों को कबूल करना, यहाँ के बच्चों को कबूल करना, यहाँ की औरतों को कबूल करना, यहाँ की औरतों को कबूल करना। अल्लाह तेरी मर्जियों ने बड़ी खिदमत की है, एक को भी नुकसान करना, सहाबा की औरतों का नमूना बना दे, मुझे तेरे जन्म का वास्ता है, सभी की बेटियों का नमूना बना दे, सभी की बेटियों का नमूना बना दे, अपने सामने ही पर हमसे राजी करते, यहाँ से दिन के चश्मों को जारी कर दे, जाहिर और सारी करते जिनके तकाजों को पूरा फरमा दे, जो महाराज आपने चले दिया अपनी शान के शान का फरमा, हमारी दुआ को अपनी तरफ से भजन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के सदके में सहाबा ताबीन तबे ताबीन शहदाए बदर शहदाए अहद शहदाए करबला और सारे अल्लाह उम्मत के शहीदों के सदके में और अल्लाह सारे अलिया के सदके में और सारे नेक बंदे और बच्चियों के सदके में और इस मस्जिद के परिषद से नेक बंदे अल्लाह उनके सदके में उनकी आमीन की बरकत से ऐसा हमारे को कबूल करता, ऐसा कबूल करता, ऐसा कबूल करता। अल्लाह सल्ली व सल्लम बारिक अला सय्यिदिना नबीना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद।